रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। चलो देखो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेता हूँ फॉर्मल वर्डिंग को। अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ मास m इक्वल टू 8 kg एंड रेडियस 5 मीटर इज सपोर्टेड एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। द सपोर्ट्स आर फ्रिक्शनलेस। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ h and strikes the end of the diameter of circular cross section, circular section, the perpendicular to the diameter, passing through the supports and sticks as shown in the figure. तो वो उसे चिपक भी जा रहा है, ये भी उसने दे रखा है, मतलब perfectly inelastic collision हुई है. Where the hemisphere just reaches a position where the flat face of it is vertical. मतलब यहाँ से collision हो रही है और उसके बाद collision ऐसा हुआ है such कि ये जो flat face अभी आपको horizontal दिख रहा है वो just vertical हो पाया है, मतलब vertical position के बाद फिर और वो turn नहीं कर पाया. आपको ये find करनी है कि h कितनी है, दो चीजें निकालनी है, एक तो h निकालना है कि कितने height से उसको drop किया था, and दूसरा जो आपको find करना है calculate the reactive impulse j of the supports during the collision. मतलब support से कितने impulse मिली है वो भी आपको find out करनी है. तो स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट ऑफ नाउ. मैंने क्या किया है, इसका साइड व्यू ड्रॉ करते हैं एक बार, क्योंकि इस व्यू से आपको इतनी चीजें समझ नहीं आएगी. एक बार इसका साइड व्यू ड्रॉ करते हैं. देखो मैंने एक ऑब्जर्वर ड्रॉ कर रखा है, आप अगर डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे देखो एक ऑब्जर्वर मैंने बनाया है. ये ऑब्जर्वर देख रहा है उसको, तो उसको क्या दिखेगा, हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो दो जो हिंजेस हैं जहां पे वो हेमिस्फीयर लटका हुआ है उस एंड्स को मैंने पी एन क्यू मार्क कर रखा है. तो पी क्यू लाइन भी एक डायमीटर ही होगी, होगी या नहीं? पी क्यू लाइन एक डायमीटर होगी या नहीं होगी? होगा सर. राइट, तो हम जो देख रहे हैं उसको PQ की तरफ से देख रहे हैं और Q एंड मेरे पास में है. तो देखो उसका साइड व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा, देखो दिख रही है? फर्स्ट डायग्राम चेक करो, ये वही वाली है, दिख रही है? दिख रही है? जस्ट डायग्राम को कन्वर्ट करना सीखो. डायग्राम देखो मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है. देखो PQ वाली लाइन है एंड PQ लाइन की तरफ से हम देख रहे हैं और PQ वाला लाइन की ही बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह भी बिहेव करेगा. मतलब ये जो लाइन मैंने मार्क कर रखी है PQ वाली, ये एक्चुअली एक्सिस ऑफ रोटेशन का है. समझ आ रही है आपको? राइट, क्योंकि उसी एक्सिस के अबाउट बेसिकली ये घूम सकता है. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है जैसे ऐसी ऐसी बंधी हुई है और उस एंड पे जाके कोई चीज टकराती है तो क्या होगी, ऐसे करके घूम जाएगी, ऐसे पलटी खाएगी. समझ आ रही है आपको? आइए ना ठीक है. तो ऐसे घूमने के लिए तो ये जो दो सपोर्ट्स आपको लगे हुए हैं, इस सपोर्ट के थ्रू आप एक लाइन पास करा लो तो इसके अबाउट ही बेसिकली क्या कर सकता है, आपका ऑब्जेक्ट घूम सकता है. तो वो इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, अब कोलिशन के जस्ट पहले जो उस ऑब्जेक्ट के पास स्पीड अटेन कर चुका होगा वो, जैसे यहाँ पे जब ये आएगा, ये मास m जब ये जाएगा, फ्री फॉल है उसका, तो यहाँ पे जस्ट कोलिशन से जस्ट पहले अगर मैं बोलूँ तो उसके पास वेलोसिटी कितना हो चुका होगा, रूट अंडर 2gh हो जाएगा ना, होगा, क्योंकि h हाइट से अगर नीचे गिरा है, इट हैज फॉलन थ्रू हाइट h, तो वेलोसिटी उसके पास कितनी हो जाएगी, रूट अंडर 2gh होगी, होगा. राइट, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सोचना है कि जब उससे चिपक गया तो क्या होगा. डायग्राम जो मैंने रेड कलर से जो बना रखा है वो चिपकने के बाद का ड्रॉ कर रखा है. तो चिपक गया अगर, तो ये तो पूरा का पूरा एक रिजिड बॉडी, ये PQ एक्सिस के अबाउट क्या है, प्योर रोटेशन पे आ जाएगा. ये इस एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा सेटअप जो है आपको एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमता हुआ दिखेगा. आपको बात समझ आ रही है? पूरी की पूरी सेटअप एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगी. तो इसमें जो जो एंड से ये चिपक चुका है उसकी वेलोसिटी अगर आप फाइंड करोगे, ये वाले एंड की वेलोसिटी अगर फाइंड करोगे, तो ये वेलोसिटी इस एंड की कितनी आनी है, ओमेगा इनटू आर आनी है. आ रही है समझ में आपको? क्लियर है? ठीक है, अब आप ये सोच के देखो कि इसमें जब भी आपको ये चीजें मैंने पहले भी बताई है, कभी भी अगर हिंजेस कहीं पे भी लगे हुए होते हैं और कोलिजन का केस होता है तो वहां पे आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि हिंजेस से एक इंपल्सिव रिएक्शन मिलता है और वो इंपल्सिव रिएक्शन इस सिस्टम के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स है, इसीलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते. बट हिंजेस का जो रिएक्शन है वो तो हिंजेस के थ्रू ही पास कर रहा है. तो अगर मैं एक्सिस पी क्यू के अबाउट देखूं, एक्सिस पी क्यू के अबाउट देखूं, तो मुझे एक्चुअली कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं दिखेगा जिसका टॉर्क जनरेट हो, क्योंकि पी एन क्यू में इंपल्सिव फोर्स तो जनरेट हो रहा है बट वो एक्सिस पी क्यू के थ्रू ही पास कर रहा है. और अगर फोर्स एक्सिस के थ्रू पास कर रही है इसका मतलब क्या है, कोई टॉर्क नहीं आ सकती है. तो इसका मतलब है कि ये जो पी एन क्यू से जो रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रही है उसका कोई टॉर्क नहीं है. तो अगर टॉर्क नहीं है तो बाकी जो इन ये दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स जो है उनके बीच में फोर्सेस तो एक्शन रिएक्शन पेयर है और वो लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही है. तो एक का टॉर्क जिस तरफ आएगा दूसरे का टॉर्क एक्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा. तो मिला के टॉर्क आपके पूरे सिस्टम पे कोई टॉर्क मिलेगा नहीं आपको. और अगर मिला के सिस्टम पे कोई टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम आपका पी क्यू के अबाउट आपकी कंजर्व रहनी चाहिए. तो पी क्यू के अबाउट पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था, सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट मास जो हमने गिराया था 1 kg का उसका था. और वो कितना था, m इंटू वेलोसिटी विच इज रूट अंडर 2gh एंड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट लाइन पी क्यू. तो वो पी क्यू से लाइन जो आपको दिख रही है उससे तो आपको डिस्टेंस आर दिख ही रहा है, तो एम वी आर कर लेंगे, वो आपको कोलिजन के जस्ट पहले का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा.
एंड कोलिजन के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आई इंटू ओमेगा कर सकते हैं. आई इंटू ओमेगा करोगे तो आपको एंगुलर मोमेंटम जस्ट आपका कोलिजन आपको मिल जाएगा. सो आपको क्लियरली यहां से आपको समझ आ गई है कि अबाउट एक्सिस पी क्यू, अबाउट एक्सिस पी क्यू देर इज नो इम्पल्सिव टॉर्क जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. Just before and after collision. Just पहले and just बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है? Therefore, L before should be equal to L after. ये जो before and after लिख रहा हूँ मैं, ये just before and just after की बात कर रहे हैं. So L before कितनी है? वो point mass की mass small m दी हुई थी, 1 kg की. तो इसको हम लिख सकते हैं, this will be 1 into velocity is root under 2gh and into radius. Radius is 5 meter, I guess. ये 5 meter है. And that will be equal to I omega likhenge. So moment of inertia about PQ, kyunki pure rotation ke case hai, and into omega likh liya. Moment of inertia kitni aayegi? Ek to ye jo solid hemisphere hai, uska aayega. Solid hemisphere ka 2/5 mr square ho jayega, kyunki ye diametric axis hi hai. To iske liye likh sakte hain aap 2/5 times of mass into radius ka square. Mass uski de rakhi thi 8 kg, I guess. Haan, 8 kg hai. Into radius ka square. R square matlab 5 ka square kar lenge. N plus वो point mass के लिए mr square कर लेंगे, तो उसकी mass है 1 and into radius का square मतलब 5 का square कर लेंगे and this multiplied with omega. So यहाँ से अगर आप देखोगे तो omega आपको मिल जा रही है in terms of radius. अच्छा, radius को एक radius तो cancel out ही कर लेते हैं, यहाँ से एक radius cancel out हो जाएगा and आपको omega की जो value मिल रही है, that is coming out to be root under 2gh and divided by this is ये 5 भी cancel out हो जा रहा है यहाँ से. 2 8 16 16 and 5 is 21. तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है रूट अंडर 2gh बाई 21 आ रही है. दिस इज ओमेगा. अब आपके पास क्या है, अब जैसे ही ये कोलिजन कंप्लीट हो चुका है उसके बाद अगर आप देखोगे तो मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब कोई डिसिपेटिव फोर्सेस भी नहीं है, कोई कोलिजन भी नहीं हो रही है और हिंज का रिएक्शन जो भी आएगा वो एक ऐसे पॉइंट पे लग रहा है जो कि इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है. तो हिंज के रिएक्शन का कोई वर्क नहीं आ सकता है. तो वर्क कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है. तो ग्रेविटी का वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेंगे. या फिर आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि किसी जब आपको पता है कि सिर्फ ग्रेविटी वर्क करती है तो इस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी आप कंजर्व कर सकते हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जब ये फेस हॉरिजॉन्टल था तब तो इसके पास एक वेलोसिटी आ चुका था क्योंकि कोलिजन हुआ. बट ये जब ये इस तरफ से जा रहा था तो ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पे पड़ा हुआ था. अब जब ये घूमेगा तो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी क्या ऊपर रेज होता जाएगा. तो जब ये ऐसे फेस में आ जाएगा तो हेमिस्फीयर यहाँ पे आ चुका है. तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास को ऊपर रेज करने के लिए डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तभी तो ये सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा हेमिस्फीयर का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसकी राइज हो रही है. तो एक का लॉस होगा तो दूसरे का गेन होगा. बस अब आपको वही टोटल मैकेनिक का कंजर्वेशन अब आप लगा लेना है. आपको ये पता है कि यहाँ पे इस केस में जब आप ये वर्टिकल फेस हो चुका है तब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो हो चुकी है. क्यों? क्योंकि उसने कह रखा है कि फर्स्ट फेस जस्ट वर्टिकल हो पाया था, इसका मतलब इसके बाद और टर्न नहीं कर पाया था. और टर्न नहीं कर पाया इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो चुकी है. अब आप ये ध्यान देना कि किसके किसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, किसकी किसकी गेन हुई है. या फिर आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इनका सम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम बाद में मैच करा लो. बस इतना ही आसानी से काम कर दो. पहले अगर देखें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कितना नीचे था हेमिस्फीयर सॉलिड हेमिस्फीयर का, वो आपको पता है. सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितने दूर पे होता है? ये COM ऑफ हेमिस्फीयर है, याद है आपको कितने दूर पे होता है? 2/5 मास पर याद रहता है, डिस्टेंस याद नहीं है. ये डिस्टेंस इज 3r/8. अगर होलो हेमिस्फीयर होता तो r/2 पे होता. सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए 3r/8 पे है. तो इसका मतलब है कि ये वाली जो फेस है, जो पीक मतलब ये जो फ्लैट फेस है, उस लाइन को अगर मैं जीरो पी लेवल मानता हूं, अगर इसको जीरो पोटेंशियल लेवल चूज कर रहे हैं, तो इनिशियली वो जो पॉइंट मास है उसकी पोटेंशियल तो जीरो है, बट जो हेमिस्फीयर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ mg इनटू 3r/8 है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली. अगर आप देखोगे तो ये जो जीरो पोटेंशियल जी वाले लेवल जो हमने चूज की थी, फाइनली जो सेंटर ऑफ मास है उसी लेवल पे आ जा रही है. मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, वो उसी लेवल पे आ जा रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. ये COM ऑफ हेमिस्फीयर है. ये आपकी ऑब्वियसली यहां से 3r/8 डिस्टेंस पे है. दिस इज 3r/8. तो अगर आप देखोगे तो ये वाली लेवल हमने जीरो पी लेवल चूज की थी, ये वाली जीरो पी लेवल चूज की थी हमने.
तो इसका मतलब है अब हेमिस्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो चुका है आपका, जीरो हो चुका है, एंड जो पॉइंट मास है उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एमजीआर हो जाएगी, समझ आ रही है। तो अब आप एक इक्वेशन लिखना शुरू करो, तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप, काइनेटिक एनर्जी के लिए प्योर रोटेशन का केस है तो हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू एंड दैट मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली विच इज माइनस ऑफ कैपिटल एम, कैपिटल एम इज मास फॉर हेमिस्फीयर, ठीक है, सो कैपिटल एम इंटू जी इंटू थ्री आर बाई एट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास तो जीरो होगा क्योंकि वो जीरो लेवल पे ही चूज किया हमने, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो फॉर हेमिस्फीयर एंड जो पॉइंट मास है उसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दिस विल बी माइनस ऑफ एम जी इंटू आर लिखेंगे, दैट्स इट, अ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो देयरफॉर हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू निकालना था वो तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, देखो यहाँ पे चेक करो ये वाला पार्ट में देखो यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी कैलकुलेट किया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो इसको यूज कर लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये फाइव, अच्छा एक फाइव तो मैंने कैंसिल आउट किया था तो वो फाइव को एक रेडियस को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा टू एट द सिक्सटीन तो है, सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन भी है, ट्वेंटी वन इंटू फाइव ये रहेगा, सो दिस विल बी हाफ ऑफ 21 into 5 रहेगा क्योंकि एक रेडियस भी है एक्स्ट्रा उसमें, एंड दैट मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर करना मतलब 2gh डिवाइडेड बाय 21 into 21 करनी है, एंड दैट इज इक्वल टू सॉरी माइनस ऑफ 8 into 10, 8 into g लिख लेते हैं, 8 into g एंड into 3 into 5 डिवाइडेड बाय 8 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 into g एंड into 5 हो जाएगा, यहाँ से जी तो कॉमन है सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर एक 5 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से, ये 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर एक 21 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है और यहाँ से ये 8 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास बच रहा है एच बाई 21 का वैल्यू आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी ये 3 सिर्फ बचा है इधर और इधर 1 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, इसका मतलब एच की वैल्यू हो गई है 42 मीटर, तो 42 मीटर ऊपर से आपको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा जब आपको ये कंडीशन को अटेन करवानी है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, देख लो अभी कोई चीज में कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आपको क्लियर है सभी को, सिर्फ ग्रेविटी तो वर्क कर रहा है ना, सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है तो फिर तो टोटल मैकेनिकली कंजर्व ही रहेगी, ग्रेविटी तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है और टोटल मैकेनिकली कंजर्व कब करते हो, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क करते हैं, अगर कोई भी दूसरे फोर्सेस अगर होते जो वर्क करते हैं तब तो आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाते, आप याद करो कि मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है टोटल मैकेनिकल, कंजर्वेटिव फोर्सेस सिर्फ वर्क करता है, लगता नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करता है, हिंज भी यहाँ लग रहा है, हिंज से भी रिएक्शन फोर्स मिल रहा है बट हिंज का रिएक्शन फोर्स वर्क नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ऐसे जगह पे लग रहा है जो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है, ठीक है, सर वो माइनस एमजीआर कहां से आ गया, एक बार समझा देंगे, ये वाला पॉइंट मास का, पॉइंट मास का, पॉइंट मास का डिस्टेंस कितना है, पॉइंट मास का डिस्टेंस क्या, ऊपर से नीचे आ गया एकदम यार, है ना, तो वो ऊपर में था फिर ऊपर से तो नीचे चला गया ना वो, यस सर, ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल बॉल स्पिनिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट स्ट्राइक्स अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ वेलोसिटी वी नॉट एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल to the floor and rebounds as shown in the figure. The coefficient of friction is E and the coefficient of restitution is E and coefficient of friction is mu. Find after rebound the angle phi and the angular velocity omega and the linear velocity v. Matlab aapko basically phi, omega aur v find out karni hai. Ab calculations karna start karte hain. To main cheez jo hai ki aap yahan pe dekho, अगर मैं इसको एक बार ड्रॉ करके दिखाऊं आपको सिचुएशन क्या होगा, जैसे ये हमारा फ्लोर है और ये ऑब्जेक्ट इधर से आके जस्ट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, जस्ट स्ट्राइक करने वाला है ये, तो सोचो इसके पास एक वेलोसिटी इस तरफ है, इट इज अ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन वी नॉट है, और इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी है ओमेगा नॉट की, ओमेगा नॉट की एक एंगुलर वेलोसिटी है,
ठीक है, तो इस केस में ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास भी वेलोसिटी वैसी होगी, होगी या नहीं होगी? वर्टिकल के साथ ये वेलोसिटी वी नॉट का एंगल देखो थीटा दे रखा, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसके पास जो वेलोसिटी होगा वो किस तरफ होगा? आपको प्योर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना आता ही है। इस पॉइंट के पास वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से कितना होगा? वी नॉट होगा। एंड रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से कितना होगा? ओमेगा नॉट इनटू आर, ओमेगा नॉट इनटू आर। सारी बात समझ में आपको? हाँ सर। ठीक है, तो इस केस में अगर आप ट्रांसलेशन की वजह से अगर देखोगे, ट्रांसलेशन की वजह से देखोगे तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो ये एंगल थीटा है, तो इस तरफ का कंपोनेंट हो गया वी नॉट साइन थीटा और इस तरफ का कंपोनेंट हो गया वी नॉट कॉस थीटा। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इधर कॉस होगा इधर साइन होगा, इधर कॉस थीटा और इधर साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो v not cos theta is velocity of approach, दिख रही है जो सरफेस को वो अप्रोच कर रहा है, कितनी velocity से अप्रोच कर रहा है? v not cos theta से अप्रोच कर रहा है, दिख रहा है आपको? राइट right? ठीक है, आपको पता है कि जितने भी velocity of separation या approach आप equation लगाते हैं, ये equation में आपको हमेशा point of collision पे ही लगानी पड़ती है। ठीक है, center of mass कितनी velocity से move कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि जो point of collision है वहां पे किस वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सरफेस को, तो v not cos theta is the velocity of approach। ठीक है, तो इसका मतलब है velocity of separation जब होगा तो वो e times of v not cos theta हो जाएगा, मतलब जो component of velocity perpendicular to surface होगी that will basically be e times of v not cos theta हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? ठीक है, क्योंकि velocity of separation has to be equal to e times velocity of approach। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, दिस v not cos theta is, ये वाली जो क्वान्टिटी है this is velocity of approach, v approach लिख दे रहा हूँ। ठीक है, so therefore velocity of separation जब हम find करेंगे, velocity of separation, तो इसको simply e times of v not cos theta लिख देंगे। ठीक है, अभी आप देखो, अभी यहाँ पे data sufficient नहीं है एक चीज के लिए, कि जैसे point of contact जो है वो right की तरफ slip कर रही है या left की तरफ slip कर रही है, अभी इस diagram से पता नहीं चल रहा है। जैसे v not sin theta बड़ा है या omega not r बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये हमको पता नहीं है। तो अगर v not sin theta को अगर आपने omega r से बड़ा माना तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, राइट की तरफ स्लिप कर रही है, और अगर राइट की तरफ स्लिप कर रही है तो फ्रिक्शन किधर एड करेगी? बैकवर्ड साइड करेगी, लेफ्ट की तरफ। आ रही बात समझ में? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो हम ये वाली केस को मान के ही प्रोसीड करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि v not sin theta is greater than omega not into r, उल्टा भी हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैथमेटिक्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर ओमेगा नॉट आर वी नॉट साइन थीटा से बड़ा होता तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बैकवर्ड स्लिप कर रहा होता और उसके इसमें फ्रिक्शन क्या होता, फॉरवर्ड लगता। समझ आ रही है? तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है इससे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी डिसाइड होगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। अगर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वी नॉट साइन थीटा को ओमेगा आर, ओमेगा नॉट इनटू आर से बड़ा लिया है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट राइट स्लिप कर रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे लगेगी, और अगर फ्रिक्शन पीछे लगेगी तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या किस पे डिपेंड करता है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, वो किस पे लग रहा है, कहां पे लग रहा है ये मैटर नहीं करता, कितना है और किस डायरेक्शन में, बस यही तो मैटर करता है सेंटर ऑफ मास के लिए। तो बस वही चीज आप देख के डिसाइड करेंगे यहाँ पे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं, इफ वी नॉट साइन थीटा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट इनटू आर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्फीयर स्लिप्स राइट एंड हेंस फ्रिक्शन एक्ट्स बैक। ठीक है, तो फ्रिक्शन आपके पीछे ऐड करेगी, तो मैं यहां पे भी फ्रिक्शन भी दिखा देता हूं, इस पर ऐड करता हूं, ये फ्रिक्शन पीछे आएगी एंड ये फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा क्योंकि स्लिपिंग हो रही है यहां पे। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी, ये नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एक कोलिजन हो रही है, कोलिजन में जितने भी फोर्सेस आएंगे वो सारे इंपल्सिव होंगे, सो नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है, इसीलिए फ्रिक्शन का जो काइनेटिक वैल्यू है वो भी आपका इंपल्सिव रहेगा क्योंकि वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे भी आप सिचुएशन अगर दिखाओगे तो जस्ट आफ्टर कोलिजन का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, मैं आफ्टर कोलिजन का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो तो ये मेरा जस्ट आफ्टर कोलिजन का है। ठीक है, तो इसमें जस्ट आफ्टर कोलिजन के लिए मैं यहाँ पे वेलोसिटी जो हमने दिखा रखा था यहाँ पे वो वी दिखा रखा था, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज वी एंड दिस एंगल इज फाई, सो इस तरफ का कंपोनेंट विल बी वी कॉस ऑफ फाई
एंड इस तरफ का कॉम्पोनेंट विल बी वी साइन ऑफ आई एंड एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी है इसके पास. ठीक है, अब हम जस्ट लीनियर पहले तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख ही लेते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारे पास कितनी है, वी कॉस फाई है एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज वी नॉट कॉस थीटा. तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है. ठीक है, दूसरी इक्वेशन आप लीनियर इंपल्स मोमेंटम थ्योरी अप्लाई करो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों में ही. ठीक है, तो हम लीनियर इंपल्स के लिए हम ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव फॉर मी एंड राइट का डायरेक्शन इज पॉजिटिव फॉर मी. ठीक है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस सोच लो हमने चूज कर रखा है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. ठीक है, सो अब हम लीनियर इंपल्स मोमेंटम थ्योरी लगाएंगे. ठीक है, सो अप्लाइंग अब जे अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, लीनियर इंपल्स लिख रहे हैं, दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम, सॉरी दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो नॉर्मल रिएक्शन इन टू डेल्टा टी. ठीक है, ये इंपल्स है, नॉर्मल रिएक्शन देखो ऊपर की तरफ लगा है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव है. ठीक है, दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस. सो वाई एक्सिस में मोमेंटम कितनी है, फाइनली कितनी है, दैट विल बी एम इन टू वी कॉस फाई, दैट इज द फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम. इनिशियली देखो नीचे की तरफ थी, इसका मतलब वो नेगेटिव था, तो माइनस ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नॉट इन टू कॉस ऑफ थीटा. क्लियर है यहाँ पे, इक्वेशन समझ आया आपको? ठीक है, तो इससे आपको n डेल्टा t की वैल्यू मिल गई है, दैट इज कमिंग आउट टू बी m into, अच्छा यहाँ पे m मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं, सो दिस विल बी m into v cos phi n plus v naught cos of theta. ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. अब सिमिलर तरीके से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अप्लाई करिए, यही सेम इक्वेशन आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अप्लाई करिए. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो फिर से j along x axis will be change in momentum along x axis, इक्वेशंस वेक्टर है ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो फ्रिक्शन आपको दिख ही रहा है बैकवर्ड्स लिखा है, और फ्रिक्शन अगर बैकवर्ड्स लगा है इसका मतलब वो नेगेटिव इंपल्स प्रोवाइड करेगा, तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एम इन टू दिस विल बी वी साइन फाई एंड माइनस ऑफ वी नॉट साइन थीटा. ठीक है, ये देखो आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई है. सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को यूज करके, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को यूज करके देखो आप एन डेल्टा टी को एलिमिनेट कर सकते हो. कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को यूज करके एन डेल्टा टी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना. तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ म्यू इनटू, अब एन डेल्टा टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो दिस इज एम इनटू वी कॉस फाइ एन प्लस वी नॉट, अच्छा वी कॉस फाइ की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ठीक है, वी कॉस फाइ फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वी कॉस फाइ को हम लिख सकते हैं ई वी नॉट into cos theta and plus v naught cos theta and that is equal to m into v sin phi and minus of v naught sin theta ho jayega. theek hai, yahan se m gets cancelled out and yahan se hum likh sakte hain isko, this is minus of mu into v naught cos theta and that will be 1 plus e is equal to v sin phi and minus of v naught sin theta. So देखो यहाँ से v sin phi भी आपको मिल चुकी है. So therefore v sin phi की value मिल गई आपको, that is v naught sin theta and minus of mu v naught cos theta and into 1 plus e हो जाएगा. तो ये आपकी देखो यहाँ से first, यहाँ पे मैं highlight कर देता हूँ इनको, यहाँ से आपको v cos theta मिल चुका है, v cos phi मिल चुका था. आपको v cos phi मिल चुका है फर्स्ट इक्वेशन से, और यहां से देखो लास्ट में जो हमने ऑब्टेन किया यहां से v sin phi मिल चुका है. तो क्या आप इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से v और phi निकाल सकते हैं? हां सर, राइट, स्क्वायर करके अगर आपने ऐड कर दिया तो v मिल जाएगा, और अगर आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, tan phi मिल जाएगा, tan phi मिल जाएगा, phi मिल जाएगा. गेटिंग इट? यस सर. ठीक है, तो इसको मैं काम करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लेता हूं. And I'm writing from 1 and 2, sorry, from 1 and 4. ठीक है, v की value can be written as root under v cos phi का square, v cos of phi का square, and plus v sin of phi का square.
वैल्यूज अगर दिए होते तो काफी सिंपल सा रिजल्ट बन जाता, बट वैल्यूज दिया हुआ नहीं है ना, हमें वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है, इसलिए काफी लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, तो दिस इज ऑब्टेन्ड ऑलरेडी। ठीक है, एंड अब इन दोनों को डिवाइड कर दे तो tan 5 भी मिल जाएगा हमें, वो हमें निकालना था। तो tan 5 विल बी v sin 5 एंड डिवाइडेड बाय v cos 5 हो जाएगा, और यहां से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो v नॉट कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो इसको लिख ही देते हैं, ये आसान सा है। तो sin ऑफ थीटा, sin थीटा माइनस ऑफ म्यू cos थीटा इनटू 1 प्लस e एंड डिवाइडेड बाय e टाइम्स ऑफ cos थीटा, v नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि v cos 5 e v नॉट cos थीटा का, तो v नॉट आपकी कैंसिल आउट हो गई, यहां से आपको tan 5 भी मिल चुकी है। सो हमने v निकाल लिया, 5 भी निकाल लिया, अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड आफ्टर रिबाउंड द एंगल फाई एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और ओमेगा फाइंड करनी है। तो जैसे लीनियर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमने लगाया है, वैसे ही एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लगा लेंगे। ठीक है, लीनियर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब हम एंगुलर इंपल्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम अप्लाई करेंगे, जे एंगुलर इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब एंगुलर इंपल्स आपको किसके अबाउट लेनी है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट भी कर रही है तो उसमें बैठोगे तो सूडो टॉर्क नहीं मिलेगा आपको, तो उसके अबाउट अगर आप बैठ के देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रिक्शन का टॉर्क दिखेगा। तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा वो कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इनटू रेडियस, राइट। और एंगुलर इंपल्स अगर फाइंड करनी है तो टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे एफ डी टी करते हैं तो लीनियर इंपल्स मिलता है, वैसे टाउ डी टी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगुलर इंपल्स मिलेगा, एंड दैट एंगुलर इंपल्स हैज टू बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। बस इतना इक्वेशन आपको लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, सो जे एंगुलर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू सीओएम लिखेंगे। ठीक है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सीओएम। सो यहाँ से आ जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यूज माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इसके साथ रेडियस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टॉर्क मिल गया, एंड फिर टाइम इंटरवल डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये टॉर्क हो गया, एंगुलर इंपल्स हो गया, एंड दैट विल बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ये नेगेटिव मैंने लिख दिया है, एक मिनट, नेगेटिव लिख दिया है, बट अब थोड़ा सा एक गड़बड़ क्या कर दिया मैंने, वो जिसका ध्यान नहीं दिलवाया आपको कि किस तरफ टॉर्क लग रही है वो चीज का ध्यान दो। अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज है, देख रही है आपको, देख रही है फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लग रही है तो वो एक क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी भी इनिशियल एंड फाइनली दोनों ही क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही यहाँ पे पॉजिटिव चूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव फॉर अस। अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हटा के मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, इसमें क्लॉकवाइज लिख देता हूँ। ठीक है, म्यू नॉर्मल रिएक्शन इंटू रेडियस आर इंटू डेल्टा टी, ये क्लॉकवाइज इंपल्स दे रहा है, एंड दैट विल बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। ऑब्जेक्ट क्या है ये ध्यान दो, हमारे पास सॉलिड स्फीयर दे रखा है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस विल बी 2/5 टाइम्स ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस ऑफ 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, और ये भी आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सारा क्लॉकवाइज है, इसलिए किसी में पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये सारा क्लॉकवाइज को हटाई दो। अब म्यू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप कहां से निकालोगे, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन इनटू डेल्टा टी की वैल्यू कहां से निकालोगे, ये ऑलरेडी आपने देखो फर्स्ट इक्वेशन सॉरी सेकंड इक्वेशन में तो निकाल ही रखा है, तो सेकंड इक्वेशन का वैल्यू को फिर से यूज कर लो यहां पे, तो सेकंड इक्वेशन को अगर यूज करेंगे यहां पे तो वो वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी, दैट वाज, इसको यूज कर लेते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ रेडियस आर एंड दैट मल्टीप्लाइड विद, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एंड डेल्टा टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज एम इनटू ई वी नॉट कॉस थीटा एंड प्लस वी नॉट कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा नॉट हो जाएगा। यहाँ से एम तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से ये एम कैंसिल आउट हो जानी है, एक रेडियस आर भी कैंसिल आउट हो जानी है, और यहां से आपको मिल जाएगा म्यू इंटू वी नॉट कॉस थीटा इंटू 1 प्लस ई इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ आर इंटू ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा नॉट हो जाएगा। सो देयरफॉर आपको ओमेगा फाइंड आउट करना था, सो ओमेगा विल बिकम ओमेगा नॉट एंड प्लस ओमेगा नॉट प्लस हो जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ म्यू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा एंड इंटू 1 प्लस ई, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा सर, हाँ बोलिए सर, ये अगर हम लोग एक उस पॉइंट जहाँ पे वो कांटेक्ट में आ रहा है और जा रहा है उस पॉइंट के अबाउट सर अगर हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो सर कंजर्व आएगा ना? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे आएगा उस केस में?
नहीं आएगा फ्रिक्शन का टॉर्क बट नॉर्मल रिएक्शन व्हाट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन सर उस पॉइंट में ही तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना ओहो दैट इज नॉट देखो जैसे ये वाली पॉइंट जो है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो तो स्लाइड करके भाग रही है ना हाँ सर तो फिर तो उस केस में तुम वहां पे वो जो पॉइंट चूज कर रहे हो वो वाली पॉइंट तो एक एक्सेलरेटेड पॉइंट हो गई है ओ अच्छा तो फिर शिफ्ट हो गया आएगा है ना हां तो स्लाइडिंग पॉइंट हो गई ना वो ठीक है यस सर अभी समझ गए ठीक है ये सब चीजें अपने हाथ से करके देखोगे तभी समझ आएगा अभी मैं इतना सारा चीज कर रहा हूं तो आपको आधा तो लग रहा है कि समझ आ रहा है बट वो जब अपने हाथ से करने जाओगे तो देखोगे ये सब चीजें लिखते वक्त अटकोगे तो अपने हाथ से करके देखना तभी पता चल रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं द सॉलिड स्फीयर इज गिवन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड लेफ्ट बिटवीन अ रफ वॉल एंड फ्लोर एज शोन द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू एवरीवेयर फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द स्फीयर टिल इट स्टॉप्स इसको रुकने तक कितना नंबर ऑफ रोटेशंस ये इनकाउंटर करेगा आपको ये फाइंड आउट करना है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपके वर्टिकल वॉल एंड रफ सर्फेस के बीच में दोनों में ही म्यू दे रखा है क्वेश्चन का डेटा आपको पता चल रहा है अब अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं पहला चीज आप देखोगे तो ऊपर में वॉल में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो नीचे की तरफ स्लिप कर रही है और अगर वो नीचे की तरफ स्लिप करेगी मतलब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा करेक्ट है ना इसको हम F1 लिख लेते हैं ठीक है फिर नीचे वाला पॉइंट अगर आप देखोगे नीचे वाला पॉइंट में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपकी राइट की तरफ स्लिप कर रही है तो उसमें फ्रिक्शन आपकी लेफ्ट की तरफ लगेगी ये फ्रिक्शन को हम F2 लिख लेते हैं ठीक है ठीक है F2 की वजह से सेंटर ऑफ मास क्या करेगा लेफ्ट की तरफ भागने की कोशिश करेगा F2 की वजह से सेंटर ऑफ मास लेफ्ट की तरफ भागने की कोशिश करेगा बट क्या ये भाग पाएगा नहीं क्यों नहीं भाग पाएगा क्योंकि वहां पे वॉल है राइट हाँ वॉल है तो वॉल से क्या करेगा वॉल से यहाँ पे एक रिएक्शन मिलेगा आपको राइट वॉल से एक रिएक्शन मिलेगा इसको N1 कह लेते हैं तो ये N1 क्या होगा एग्जैक्टली F2 से मैच कर जाएगा समझ आ रही है क्यों क्योंकि ये तो भागने नहीं देगा उसको तो भागने नहीं देगा तो N2 की N1 की वैल्यू हमेशा F2 से मैच करेगी फिर MG के अगेंस्ट यहाँ पे MG है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली यहाँ से भी एक रिएक्शन फोर्स आपको मिलेगा एंड दैट विल बी N2 लिख सकते हैं क्लियर है इस ये जो सॉलिड है स्फीयर है हमारा इसका सेंटर ऑफ मास ना तो नीचे भाग सकता है ना तो ऊपर भाग सकता है ना तो हॉरिजॉन्टली राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर सकता है राइट तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इस स्फीयर का ये मेंटेन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन है मतलब कि नेट फोर्स इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी निकालोगे तो भी जीरो आएगा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में निकालोगे तो भी जीरो आएगा तो इस केस में हम इक्वेशंस लिख रहे हैं यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन आपका N1 जो है ये आपकी F2 से मैच करनी चाहिए एंड अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन F1 है और N2 है एंड ये मिलके आपका MG से मैच करना चाहिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे लिए और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है ठीक है ऑल्सो आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं मतलब F1 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ N1 लिख सकते हैं एंड F2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ N2 लिख सकते हैं ना राइट यस सर तो F1 F2 को एलिमिनेट कर लो यहाँ से तो यहाँ से अगर एलिमिनेट करेंगे इन इक्वेशंस को यूज करके तो हमें क्या मिल जाएगा N1 की वैल्यू इज म्यू टाइम्स ऑफ N2 लिखा एंड F1 को लिखा म्यू टाइम्स ऑफ N1 एंड प्लस N2 इज इक्वल टू MG लिख लिया एंड यहां से फिर एलिमिनेट कर ले तो म्यू टाइम्स ऑफ N1 को लिख लेते हैं म्यू स्क्वायर टाइम्स ऑफ N2 प्लस N2 इज इक्वल टू MG एंड देयरफॉर N2 की वैल्यू आपको मिल गई है दैट इज MG डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ रही है ठीक है तो ये N2 की वैल्यू हो गई है एंड ऑब्वियसली अब आपको N1 भी मिल चुका है मिल गया ना सो देयरफॉर N1 की वैल्यू इज म्यू टाइम्स ऑफ MG डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा क्लियर है ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली अभी तक हमने N1 और N2 की दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन F1 F2 भी हमें मिल चुका है अब देखो इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि अगर आप देखोगे तो N1 और N2 तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहे हैं उनका कोई टॉर्क नहीं है बट F1 और F2 इनका एक टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगुलर वेलोसिटी था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने दिया था बट टॉर्क जो आ रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की आ रही है तो इस टॉर्क की वजह से एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ऑब्वियस है और वो एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा डिक्रीज करता जाएगा एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी
तो इसमें आपको क्या करना है, अब आपको एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, नेक्स्ट टारगेट है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना, क्योंकि अगर हमने ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद फिर हम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को यूज कर पाएंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, उस इक्वेशन को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं वही इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, सो अब देखो यहाँ पे, सो नाउ टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू सीओ एम विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू सीओ एम इंटू अल्फा लिख रहे हैं, तो टॉर्क आ रही है F1 और F2 दोनों की आ रही है, सो F1 into R plus F2 into R दोनों का ही क्लॉकवाइज है, and that will be equal to 2 by 5 MR square into alpha मिलेगा, so एक R तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाना है, और F1 है mu times of N1 और F2 है mu times of N2, तो यहाँ पे N1 plus N2 लिख लेते हैं, and that will be 2 by 5 times of M into alpha R आ जाना है, N1 और N2 की आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, उसको सब्सटीट्यूट कर दो, so this becomes mu times of this will be 1 plus mu and that is mg divided by 1 plus mu square ho jana hai and that is equal to 2 by 5 times of m into alpha r. So yahan se agar aap dekhoge to aapko alpha ki value yahan se mil ja rahi hai. So what you're getting is alpha is equal to 5 by 2 times of m cancel out ho jayega yahan se 5 by 2 into mu into 1 plus mu divided by 1 plus mu square and that into g divided by r आ गया, यहां से अल्फा मिल चुका है, अब जैसे ही अल्फा मिल गया आपको, अब आप इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूज कर सकते हैं, सो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू डेल्टा थीटा, इसको यूज कर ले, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है जीरो हो चुका है, तो जीरो इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड प्लस टू इंटू माइनस अल्फा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, एंड नंबर ऑफ रोटेशन अगर एन लिया हमने तो एन टाइम्स ऑफ टू पाई लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक एक रोटेशन में टू पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो नंबर ऑफ रोटेशन अगर एन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहां पे एन टाइम्स ऑफ टू पाई हो जाएगी, तो यहाँ से आपको एन फाइंड आउट करना था तो एन यहाँ से निकल जाएगा, सो एन विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू अल्फा, अल्फा आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, बस उसको सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा, क्लियर है? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे इस बार क्या किया उन्होंने, एक डिस्क लिया है और उस डिस्क को एक एंगुलर वेलोसिटी देके एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रिलीज कर दिया, ऐसा है मतलब ऐसे घुमा के ऐसे घुमाया है, ऐसे स्पिन किया एंड फिर इस सरफेस पे रख दिया है, मतलब ऐसा सोचो कि यू नो जस्ट जैसे ऐसा है, देखो ये ऐसा है, एक है कि आप ऐसे डिस्क को ऐसे रोल कराएंगे, ये नहीं दिया है, ये नहीं है, इसको ऐसे स्पिन किया हमने, ऐसे समझ आ रही है आपको, और उसके बाद फिर इसको सरफेस पे ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे स्पिन करके सरफेस पे छोड़ने वाले हैं, समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, टॉप जैसा कुछ, मतलब टॉप को जैसे घुमा के, हाँ, लट्टू के जैसा, लट्टू के जैसा, लट्टू के जैसा, लट्टू बंगाली में क्या बोलते हैं टॉप को, हाँ सर लट्टू ही बोलते हैं, हाँ तो लट्टू की तरह ही, बिल्कुल लट्टू की तरह ही वैसे घुमा के, बट लट्टू तो बेसिकली थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, डिस्क को हम टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, पतले से प्लेट की तरह देख रहे हैं, तो उसको बेसिकली ऐसे स्पिन करके छोड़ दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस डिस्क के पास अभी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसने रफ सर्फेस का फ्रिक्शन कोफिशियंट आपको म्यू दे रखा है एंड क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना नंबर ऑफ रोटेशन ये डिस्क मारता है जब तक ये वापस से रुकेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशन फिर से आपको फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछली बार के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी जनरेट हो रही है वो फ्रिक्शन का टॉर्क निकालना ही आपके लिए थोड़ा सा मेहनत का काम है, अब इसमें कैसे करेंगे, जैसे एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, एक जस्ट मुझे थोड़ा सा डायग्राम को सुधारने दे, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक रेडियल डिस्टेंस आर पे मैं चले जाता हूँ, एक आर्बिट्री रेडियल डिस्टेंस आर पे गए सेंटर से,
एंड उसपे डी आर थिकनेस का एक पतला सा रिंग ड्रॉ किया मैंने, डी आर थिकनेस का एक पतला सा रिंग है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे स्लिप कर रहा होगा, राइट, है ना। तो उसमें स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन किस तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होगा, राइट, क्योंकि जिस तरफ आपकी रिलेटिव स्लिपिंग होती है सर्फेस के रिलेटिव, जिस तरफ जैसे ये सर्फेस है इसमें आप ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा के फेंक दिए हो, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, वो घूम रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिजनरेट होगा। तो इसमें जो फ्रिक्शन जनरेट होगी वो आपकी इस तरह से जनरेट होगी क्योंकि आपने उसको एंगुलर वेलोसिटी आपको उल्टी तरफ दे रखा है। यस सर, ये इस रिंग के लिए मैंने दिखा रखा है, और ऐसे आप बहुत सारे रिंग इमेजिन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे रिंग, हर एक रिंग में ऐसा फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा। तो इस फ्रिक्शन को अगर मैं डी एफ कह रहा हूं तो ये डी एफ को आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो होगा दिस विल बी म्यू टाइम्स ऑफ डी एन होगा। डी एन मतलब कि इस रिंग में जो नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रहा होगा, इस रिंग में कितना नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रहा है पहले आपको वो सोचना पड़ेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन पूरे डिस्क का अगर निकालना होता तो वो तो काम आसान था, पूरा डिस्क का मास एम है तो नॉर्मल रिएक्शन पूरे डिस्क पे कितना आया है वो एम जी आ जाएगा। बट ये तो पूरे डिस्क का मुझे निकालना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पतले से रिंग का निकालना है। तो उस पतले से रिंग के लिए कैसे निकालेंगे, उस पतले से रिंग का जो मास होगा उस मास के कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो वेट आएगा ना वहां पे। आई अंडरस्टैंडिंग, समझ आ रही है? Yes, उस पतले से रिंग का जो मास होगा, उस पतले से रिंग का जो मास होगा उस मास का ही तो वेट होगा वहां पे, जो क्या करेगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन जनरेट कर रहा होगा। तो आपको पहले वो निकालना पड़ेगा कि उसका मास कितना है, और वो मास तो आप आराम से निकाल सकते हो कैसे, यूनिटरी मेथड यूज करके, कि टोटल एरिया आपको पता है डिस्क का कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास इज एम। तो इस पतले से रिंग का एरिया अगर आपको पता चल जाए डी ए तो उसका मास आप इजीली निकाल सकते हैं, मतलब सरफेस मास डेंसिटी निकालने के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि डी एम बाई डी ए अगर निकालते तो ये आता मास पर यूनिट एरिया, मतलब एम बाई पाई आर स्क्वायर ज्यादा, कैपिटल आर लिख रहे हैं मतलब टोटल एरिया के लिए, ठीक है। एंड इससे हम डी एम फाइंड कर सकते थे और वो हो जाता एम बाई पाई आर स्क्वायर, एंड वो पतला सा रिंग का एरिया दैट विल बी टू पाई आर इंटू डी आर, राइट। ये तो बहुत बार कर चुके हो, ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको डी एम की वैल्यू मिल गई है। सो एम इज दिस इज टू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड दैट मल्टीप्लाइड विद आर इंटू डी आर आ रही है, ठीक है। तो इससे आपको डी एम मिल चुका है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो डी एन होगा, डी एन दैट विल बी डी एम इंटू जी, ठीक है। और डी एम इंटू जी करेंगे मतलब टू एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर आ जाएगा। आपको समझ आई है डी एन की वैल्यू? समझ आई है? अब अगर आप डी टाओ कैलकुलेट करोगे, डी टाओ मतलब उस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क आ रही है, तो उसको कैसे लिखोगे आप? डी एफ जो फ्रिक्शन है एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर, दिख रही है आपको? स्मॉल आर लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस उसका आर ही स्मॉल आर ही है ना, समझ आ रही है? और डी एफ की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? दैट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ डी एन एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ रेडियस आर। सो देयरफॉर डी टाओ की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली यहां से, दैट इज कमिंग आउट टू बी म्यू टाइम्स ऑफ 2mg divided by capital R square and small r dr है और एक r और extra भी है, मतलब यहाँ पे r square into dr हो जाएगा। देखो clear है क्या? Clear है? ठीक है? Yes. And अब आपको net torque चाहिए तो आपको इसको वैसे integrate कर लेना, so this will be twice of mu mg divided by r square and integration of r square dr from 0 to capital R, and इससे आपको मिल जाएगी this will be twice of mu mg divided by r square and into r cube by 3 ho jayegi. So this becomes 2/3 of mu mg and into r. Ye torque ki value ho gayi hai. Once you have got torque, to ab torque ki wajah se angular acceleration kitni hogi is disk ki, ye hum find out kar payenge. Right? Yes. So therefore, agar main torque ki value ko apply karun, torque will be equal to moment of inertia into alpha. Ye obviously with respect to COM hi likh rahe hain, kyunki torque bhi humne uske respect mein nikala hai. So ab aap torque ki value ko substitute karo. So this is 2/3 of mu mg into r and that will be equal to moment of inertia of a disk mr square by 2, right? Diametric jo centroid axis hai ye wala, right? mr square by 2 ho jayega and that multiplied with alpha. Yahan se r cancels out, yahan se r m cancels out, aur yahan se dekhoge to alpha ki value screen freeze hua kya sir? Screen freeze ho gayi hai? Just a second, ek minute. So, यहां से अब हम अल्फा फाइंड आउट कर चुके हैं, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4/3 म्यू जी डिवाइडेड बाय आर आ चुकी है। एंड जैसे ही अल्फा मिल चुका है अब आपको नंबर ऑफ रोटेशंस फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करने का स्टेप वापस से सेम है। सो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि जब ये रुक जाएगा, एंड अब आप इसको लिख सकते हो दिस इज जीरो इज इक्वल टू
ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू इंटू दिस विल बी माइनस ऑफ अल्फा एंड इंटू डेल्टा थीटा के लिए लिख रहे हैं एन टाइम्स ऑफ टू पाई. सो देयरफॉर नंबर ऑफ रोटेशन निकालनी है आपको. सो दैट विल बी ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू अल्फा. अल्फा आप निकाल चुके हो, उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू आ जाएगा. क्लियर है? मेन इसमें वो टॉर्क ही निकालना मेहनत का काम था, बाकी और कुछ अलग अलग नहीं. हाँ बोलिए सर. हम ये मतलब छोटे छोटे स्ट्रिप्स कंसीडर मतलब कब कर रहे हैं, मतलब जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स नहीं है, मतलब कहाँ फ्रिक्शन एग्जैक्टली लगेगा, तो हम क्या ऐसे मतलब ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिंग्स मतलब डिस्क्स मतलब देखो स्मॉल एरिया. देखो एक चीज समझाता हूँ आपको. देखो अगर फ्रिक्शन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, तो फिर उस केस में बहुत आसान है. यहाँ पे फ्रिक्शन कोई एक पॉइंट पे नहीं लग रहा, पूरा सरफेस पे लग रहा था. देखो क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्क का जो सरफेस था उस पे पूरा लग रहा था ना. हाँ सर. इससे पहले जितने भी एग्जांपल दिखाए, इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स याद करो आपने फ्रिक्शन का सोचा है, जितने भी एग्जांपल आप सोचो, जितने भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता था, तो इसीलिए कभी उसमें ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आया था. ये पहला एग्जांपल आया जहां पे फ्रिक्शन ऐसा जगह पे एक्ट कर रहा है वो पूरा का पूरा सरफेस पे एक्ट कर रहा है. तो इसीलिए किसी एक जगह पे आप फ्रिक्शन को लगा के आप डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, आपको इंटीग्रेट करके ही कैलकुलेट करना पड़ता है. कि आप एक छोटा सा रिंग चूज करते, मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन का जरूरत हमें कब पड़ता है, जब वहां पे कोई ऐसी चीज मिलती है जो वेरिएबल रहती है पूरे स्टेप में, राइट, है ना. इंटीग्रेशन का हेल्प कब लेते हैं आप, जब आपको कोई चीज वेरिएबल मिलती है पूरे पूरे जगह पे. तो फ्रिक्शन आपको पता है कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे तो फ्रिक्शन आपका डिफरेंट डिफरेंट एक्ट करेगा, क्योंकि पतला पतला एलिमेंट चूज करेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्शन आएगा. तो वहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि मुझे इंटीग्रेट करके ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है सर. देखिए चेक करो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h. रिलीज किया मतलब कि उसको जस्ट रेस्ट से छोड़ दिया है. इट अंडरगोज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद द फ्लोर. फ्लोर के साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उसने दे रखा है ऑलरेडी. फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं जस्ट कोलिजन के वक्त का जो सिचुएशन है उसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है. अच्छा, इसको अलग कर देते हैं. एच हाइट अगर नीचे गिर गया है, क्या ये ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करेगा या फिर सिर्फ ट्रांसलेट करके नीचे गिरेगा? सर ये सिर्फ गिर रहा है तो ट्रांसलेट करके गिरेगा. क्यों, एक्सप्लेन करिए. सर ये तो फ्री फॉल है, सिर्फ mg नीचे की तरफ लग रहा है. सो तो उससे क्या होगा, टॉर्क क्यों नहीं आएगा? एक्सप्लेन करिए, आप जो बोल रहे हैं उसको एक्सप्लेन करिए बस. सर ये तो हम रिलीज किए हैं तो मतलब तो अरे आपका आपको ये बोलना चाहिए ना, घूमेगा कोई अगर आपसे पूछेगा क्यों नहीं घूमेगा तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें टॉर्क नहीं है. आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो वेट कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से ही हो, बस वो क्या करेगा, बस इतना ही है, इतना ही तो आपको बोलना है. Awesome. आप जो बोल रहे हो आप बोल रहे हो इंट्यूशन से बोल रहे हो, आप कोई लॉजिक नहीं बता रहे. आपको लग रहा है ऐसा होना चाहिए बट कोई लॉजिक नहीं बता रहे, तो लॉजिक नहीं बताओगे फिर कैसे सही होगा? इस बार सही होगा, अगली बार हो सकता है गलत हो जाओगे. ठीक है, आपको अगर मैं कोई भी चीज अगर फ्री फॉल छोड़ देता हूँ, मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, छोड़ दिया मैंने इसको, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे. सेंटर ऑफ मास पे बैठे के देखेंगे तो देखिएगा वेट वहीं से ऐड कर रहा है, तो कोई टॉर्क ही नहीं है. टॉर्क नहीं है तो फिर इस केस में ये प्योर ट्रांसलेशन वाला केस ही होगा, घूमेगा नहीं है. अंडरस्टैंडिंग ऑन? यस. ठीक है, तो इससे ये पता चला कि ये फ्री फॉल का केस है तो इसलिए प्योर ट्रांसलेशन का केस है. इसीलिए देखो मैंने इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं की है. देखो ये एंगल थीटा ही रहेगा, दिख रही है? ठीक है, और इतना श्योर है कि इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी आएगा वो रूट अंडर टू जी आएगा, क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन का केस था तो पोटेंशियल जी का लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन, एंड ये काइनेटिक एनर्जी प्योर ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल आया नहीं अभी तक. तो इस केस में ये जो वेलोसिटी आ चुका होगा इसके पास, ये श्योर है रूट अंडर टू जी आ चुका होगा. आई होप आपको यहां तक समझ आ चुकी है. क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो आपको पता है
कि जो वेलोसिटीज हमें लेना पड़ता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच निकालते वक्त, वो पॉइंट ऑफ कोलिजन पे ही लेनी पड़ती है। तो सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो वाला पॉइंट जहां पे ये टकरा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है। एंड फॉर्चुनेटली यहां पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, अगली बार सेम होगा ये जरूरी नहीं है। तो ये वेलोसिटी रूट अंडर 2gh मिल गई है मुझे, मुझे ये पता चल रहा है कि यहां से एक इंपल्सिव रिएक्शन फोर्स इसको मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा, ऐसे स्ट्राइक करेगा ना उसको, राइट, ऐसे स्ट्राइक करने वाला एक फोर्स मिलेगा उसको। This normal reaction will be an impulsive force. Impulsive होगा ना, क्योंकि कोई भी collision हो रही है वहां पे collision में क्या आएगा? Definitely impulsive forces ही generate होंगे। ये normal reaction जो generate हो रहा है ये vertical direction का है। तो center of mass के पास क्या horizontal velocity attain हो सकता है क्या? नहीं, center of mass cannot attain a horizontal velocity, ये नहीं आ सकता उसके पास। तो normal reaction जो है इसका impulsive है और वो vertical direction का है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि center of mass cannot shift horizontally, it will remain vertical only, समझ आ रही है? तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी है ये हमको पता नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे आगे चल के अभी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फिलहाल के लिए आपको ये समझाने के लिए मैंने दिखाया है कि आपकी जो सेंटर ऑफ मास है वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं करेगी, ठीक है, वो उसमें वर्टिकली ही रहेगी। अब इससे क्लियरली आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन का एक टॉर्क भी आ रहा है, राइट, जब ये टकराएगा तो नॉर्मल रिएक्शन एक क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा, राइट, एंड ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगा, आएगा ना, और वो लॉजिकल भी। आप सोचो कि एक ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे टकराने के लिए जमीन पे छोड़ दोगे तो जमीन से टकराएगा तो यहाँ से फिर ऐसे स्पिन करके नहीं घूमेगा क्या? हाँ सर, समझ रही है? तो वो किसकी वजह से, वो रिएक्शन फोर्स जो उसको वहां से मिल रहा है उस एंड पे जहाँ पे कोलिजन हो रही है वहां से उसको रिएक्शन फोर्स मिल रहा है तो घूमना स्टार्ट कर जाएगा। बट सेंटर ऑफ मास की जो लोकस है वो अभी भी वर्टिकली रहेगी, समझ आ रही है आपको? सेंटर ऑफ मास की लोकस जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरफ नहीं शिफ्ट होने वाली है। तो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन, तो अब जस्ट आफ्टर कोलिजन का मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे जस्ट आफ्टर कोलिजन का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एंगल चेंज नहीं किया है, एंगल ध्यान रखना वो वही रखा है अभी भी, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन का है। एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी को कुछ एक वी नॉट मान लेते हैं, ठीक है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, एंड इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट मान लेते हैं, ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन की ही बात कर रहा हूँ। अब मैंने जो वेरिएबल्स चूज किए हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। देखो अगर मुझे वी नॉट पता चल गया, इफ आई एम एबल टू फाइंड वी नॉट, तो सेंटर ऑफ मास कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा ये भी हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या? यस सर, क्योंकि उसके बाद तो फ्री फॉल ही है ना, सेंटर ऑफ मास का उसके बाद क्या है, फ्री फॉल है, तो वो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने की तरह है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी कर लेंगे तो यहाँ से आपको मैक्सिमम हाइट इसके रिस्पेक्ट में मिल जाएगा, मतलब कितना और ऊपर जाएगा, अभी तो ऑलरेडी एक सर्टन हाइट पे है, ये ऑलरेडी एक सर्टन हाइट पे है, ये एल बाई टू साइन थीटा है यहाँ पे, बट इसके और ऊपर कितना जाएगा ये आप इजिली फाइंड कर पाएंगे, दिस इज एल बाई टू साइन थीटा, और इसके ऊपर जितना जाएगा ये आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका ओरिएंटेशन चेंज जाएगा, ओरिएंटेशन आप वो नहीं रहने वाला है, ओरिएंटेशन क्यों चेंज कर रहे हैं तो समझ आ ही रहा होगा आपको, है ना सर? वेलोसिटी तो चेंज, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट यहाँ पे आ चुका है ना वही ओमेगा नॉट से वो चलता रहेगा। आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कितना एंगल पे ये फाइनली रहेगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी सेंटर ऑफ मास की, मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये सेंटर ऑफ मास का लोकस है, BCOM यहाँ पे फाइनली जीरो हो गई है, तो यहां से जितना ऊपर ये गया है दिस डिस्टेंस इज श्योर V नॉट स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। तो मेन जो हमें मेहनत करना है वो V नॉट निकालने के लिए ही मेहनत करनी है। हाँ, अब आप ये भी फाइंड कर सकते हो, देखो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल को अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी एक फाइ मान लेते हैं, तो थीटा प्लस फाइ आप ये डेफिनेटली फाइंड कर सकते कितना है। थीटा प्लस फाइ अगर निकालोगे तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज ओमेगा नॉट इनटू डेल्टा टी, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, दिस विल बी कांस्टेंट, ये चेंज नहीं करेगा, ये समझ आ रही है ना आपको, क्योंकि टॉर्क ही नहीं है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, कोई टॉर्क ही नहीं है, एक बार अगर वो कॉन्टैक्ट लीव कर चुका है उसके बाद कोई रिएक्शन थोड़ी ना मिलेगा उसको, उसके बाद तो एमजी सिर्फ अकेला एक्ट कर रहा है और एमजी के रिस्पेक्ट में कोई टॉर्क ही नहीं है, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और ये डेल्टा टी तो आप इजीली निकाल सकते हैं, डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, वी नॉट बाई जी करके, तो इसको लिख सकते हैं आप ओमेगा नॉट इनटू वी नॉट डिवाइड बाई जी कर सकते हैं, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम निकालने की तरह, आई अंडरस्टैंडिंग? तो फाई देखो यहाँ से इजिली मिल जाएगा, दिख रही है, वो निकालने के लिए बोला नहीं उसने, बट मैंने आपको बताया कि वो आप कैसे निकालोगे,
एंगुलर वेलोसिटीज के पास वही रहेगा, ध्यान रखिएगा ये एंगुलर वेलोसिटीज की चेंज नहीं हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी वोंट चेंज, रीजन ऑलरेडी जस्टिफाई भी कर रहा हूं मैं, कोई भी टॉर्क नहीं है इसी वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब हम कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशंस। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहां पे कोलिजन हुई थी उसकी वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांसलेशन का इसके पास v नॉट रहेगा एंड रोटेशन का परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड ओमेगा नॉट इनटू l बाय 2 भी रहेगा, रहेगा ना, चेक करो एक बार, रहेगा। और ये एंगल आपका थीटा भी रहेगा, ये एंगल थीटा रहेगा, क्लियर है? यस सर। तो इस ओमेगा नॉट l बाय 2 का देखो दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर टू सरफेस है और एक पैरेलल टू सरफेस है। पैरेलल टू सरफेस जो ओमेगा नॉट l बाय 2 का कंपोनेंट है उसकी वजह से ना तो सेपरेशन होगा ना तो अप्रोच होगा, बट ओमेगा नॉट l बाय 2 का जो cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वजह से तो सेपरेशन वेलोसिटी आ रही है ना, आ रही है, दिख रही है? तो अब हम कंडीशंस को यूज करेंगे, इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन को यूज करेंगे। सो व्हाट वी विल राइट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हैज टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन। So velocity of separation is V naught plus omega naught L by 2 into cos theta. That has to be equal to velocity of approach which is root under 2gh. ये हमारी पहली equation हो गई है। देखो आपको समझ आई है नहीं आई है? Clear है? Yes sir. अब linear impulse equal to change in linear momentum, angular impulse equal to change in angular momentum. वो conditions को use करेंगे। मैंने ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस चूज कर रखा है, ठीक है? तो मैं अब लीनियर इंपल्स के लिए इक्वेशन लिखने वाला हूं। तो जे अलोंग वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, कैसा लिख सकते हैं? जे अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, सही है? Yes, ठीक है। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब इसका पॉजिटिव इंपल्स होगा, मतलब एन इंटू डेल्टा टी लिख लिया, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो एम इंटू फाइनल मोमेंटम इज वी नॉट, तो यहाँ पे प्लस वी नॉट लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे प्लस एम वी नॉट दैट इज द फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज माइनस ऑफ एम इनटू रूट अंडर 2gh। देखो आपको इक्वेशन समझ आ रही है नहीं आ रही है? माइनस प्लस का ध्यान रखना। देखो समझ आ रही है, वेक्टर इक्वेशंस है। यस सर। ठीक है, तो यहां से अब आप एन डेल्टा टी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, एन इंटू डेल्टा टी इसकी वैल्यू आ रही है एम इंटू वी नॉट प्लस रूट अंडर 2gh आ रही है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब हम एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है? एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स अगेन नॉर्मल रिएक्शन का ही ऑब्वियसली आने वाला है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन लिख रहे हैं, सो जे एंगुलर लिखेंगे, जे एंगुलर मतलब एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये विद रिस्पेक्ट टू सीओएम लिख रहे हैं, ठीक है? तो नॉर्मल रिएक्शन का मिल रहा है, तो एन इंटू L by 2 cos theta, ये टॉर्क हो गया एंड इसके साथ डेल्टा टी मल्टीप्लाई होगा। देखो चेक करो डेटा, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? चेक करो एक बार, ये डिस्टेंस देखो आपका L by 2 cos theta है, ठीक है ना? चेक करो एक बार, ठीक है, ठीक है, okay. अब ये किस तरफ टॉर्क दे रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है इसको, दैट विल बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखो क्लॉकवाइज ही है क्योंकि ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज चूज किया हमने, तो दैट विल बी एम एल स्क्वायर बाय 12 इनटू ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज, एंड इनिशियली तो कुछ एंगुलर मोमेंटम था ही नहीं क्योंकि इनिशियली तो रोटेशन था नहीं, तो माइनस ऑफ सिंपली जीरो लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर है? अब एन डेल्टा टी का वैल्यू देखो थर्ड इक्वेशन से जो आपने निकाल रखा है उसको यूज करो यहाँ पे, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, दिस इज एल बाई टू कॉस थीटा इंटू एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी इज एम इंटू वी नॉट प्लस रूट अंडर 2gh, and that is equal to m l square by 12 into omega naught. यहाँ से m gets cancelled out, एक l भी कट जाएगा यहाँ से, ये 2 यहाँ से 6 से cancel out हो जाएगा, and यहाँ से आ रही है 6 cos theta into v naught plus root under 2gh is equal to omega naught into l. ये आपकी fourth equation आ गई है, ठीक है? अब देखो आपके पास दो variable आपने choose किए थे, एक omega naught और एक v naught. एन वगैरह को मैं वेरिएबल नहीं मान रहा हूँ क्योंकि ओमेगा नॉट और वी नॉट का ही वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करना है, इनफैक्ट वी नॉट फाइंड करना है, तो ओमेगा को एलिमिनेट कर सकते हैं. देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन चेक करो और हमारा फोर्थ इक्वेशन चेक करो. इसमें अगर मैंने ओमेगा नॉट को अगर एलिमिनेट कर दिया
तो देखो v नॉट मिल जाएगा, दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? ठीक है, तो वही काम कर लेते हैं. सो व्हाट विल डू इज विल एलिमिनेट ओमेगा नॉट इनटू l. ठीक है, तो फ्रॉम वन मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जगह कर देंगे. So therefore, six cos theta, sorry, into v naught plus root under 2gh is equal to omega naught into l. Omega naught into l की value को substitute कर रहे हैं, so this will be root under 2gh minus of v naught divided by, divided by cos theta. And this multiplied with 2 आ जाएगा. चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन बस चेक कर लेना ठीक है कि नहीं. ठीक है, एंड यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से ये 2 तो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा यहां पे. तो ये जाएगा 3 cos square theta into v naught plus 3 cos square theta into root under 2gh is equal to root under 2gh and minus of v naught. So therefore v naught की वैल्यू मिल रही है आपको. This is coming out to be, ये भी नॉट इधर चला जाएगा, 3 cos square theta minus 1 into root under 2gh and divided by, this will be, ये हमने इधर भेजा है, अच्छा ये इधर प्लस और इधर माइनस होगा, and फिर v नॉट इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 cos square theta हो जाएगा, 3 cos square theta प्लस 1 हो जाएगा, ये रहा. आपको v नॉट मिल चुका है यहाँ से. सो वंस यू हैव गॉट v नॉट, अब आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर जो h मैक्स अटेंड होगा सेंटर ऑफ मास का, वो कितना हो जाएगा? दिस विल बी v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g एंड प्लस l बाय 2 इनटू sin theta, जो आपका फाइनल आंसर होगा. देख लो किसी पार्ट में अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो. ओके, सो h मैक्स ऑन द ग्राउंड, सो l by 2 sin theta भी ऐड कर दिया. एक मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा बेटर डायग्राम दिखा दूं. हां हां बोलिए, अभी क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए एक बार फिर से बोलिए. तो h मैक्स इज ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड. h मैक्स इज ऑन द ग्राउंड, इज ऑन द ग्राउंड. हां जब हाइट पूछते हैं तो ग्राउंड से ही तो बताते हैं ना. ओके, हाइट पूछेंगे तो कहां से बताएंगे, ग्राउंड से ही बताते हैं हमेशा. ठीक है, आगे बढ़े. अगेन अगर थीटा की वैल्यूज वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तब इतना मुश्किल नहीं आएगा. सर इसलिए क्वेश्चन में ही ना, सर स्टार्टिंग में आपने थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू डेल्टा टी लिखा, लेकिन एक्सप्लेन हाउ टू गेट दैट. थीटा प्लस फाई इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू डेल्टा टी लिखा, हाँ फिर वो समझा नहीं कैसे आया मुझे ये थीटा प्लस फाइव. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रॉड की कितनी हुई है? थीटा प्लस फाइव तो हुई है. ओके, थीटा प्लस फाइव हुआ. अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है तो ओमेगा नॉट को टाइम से मल्टीप्लाई किया. ओके, ओमेगा इनटू डेल्टा टी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. देखो यहां पे एक डिस्क दे रखा है और उस डिस्क का मास 2m है और रेडियस r है, और उस डिस्क को हमने क्या कर रखा है, एक एल लेंथ के स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है. लेंथ का रेडियस, लेंथ का वैल्यू 2r दे रखा है एंड दूसरे एंड पे पॉइंट मास m भी लगा रखा है. ये जो डायग्राम है ये आपका टॉप व्यू है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल का, मतलब टेबल का ऊपर से आप देख रहे हो वहां पे आपको क्या दिख रहा है वो डायग्राम में दिखा रखा हूं. नाउ द क्वेश्चन सेज द मास इज गिवन अ वेलोसिटी v नॉट परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड हेंस जस्ट आफ्टर इट find the acceleration of center of mass of disc. मतलब center of mass of disc कितनी acceleration से move करेगा just after giving the velocity, आपको find out करनी है. तो question says that we have given a velocity v naught perpendicular to the length of the string. ठीक है, अब एक चीज सोच के देखो, अगर मान लेते हैं ये वाली point, देखो ये वाली point मैं green color से highlight कर रहा हूँ, अगर ये वाली point fixed होती तो पक्का है tension की value को हम sure होकर लिख सकते थे, that will be m into v naught square by l, लिख सकते थे ना. राइट, अगर ये फिक्स पॉइंट होता तो क्या होता, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या होता, सप्लो मोशन एग्जीक्यूट करता. राइट, करता ही नहीं करता. हाँ
राइट एंड सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास क्या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होना चाहिए कितने का वी नॉट स्क्वायर बाय एल का तो टेंशन सेंटर की तरफ एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल इसको लिख लेते हैं राइट बट दैट कैन ओनली बी रिटन इफ दिस पॉइंट वाज अ फिक्स्ड पॉइंट बट दिस इज दिस अ पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट नाउ अगर आप टेंशन अगर लाएंगे स्ट्रिंग में अगर टेंशन जनरेट होगा तो ये तो दोनों में ही जनरेट होगा ना डिस्क के लिए भी टेंशन जनरेट होगा और वो पॉइंट मास के लिए भी टेंशन जनरेट होगा मतलब जो टेंशन आप यहाँ पे दिखाओगे एक मिनट जो टेंशन आप यहाँ पे दिखाओगे पॉइंट मास के लिए वही टेंशन तो यहाँ पे भी दिखाओगे ना डिस्क के लिए समझ आ रही है आपको समझ आ रही है तो क्या क्या ये डिस्क अब फिक्स रहने वाला है क्या ये डिस्क फिक्स रहने वाला है नहीं नहीं रहेगा तो डिस्क के पास क्या होगा डिस्क के पास एक ऑब्वियस है डिस्क के पास एक लीनियर एक्सेलरेशन आएगा टेंशन की वजह से इस एक्सेलरेशन को हम ए मान लेते हैं और एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा इसकी अल्फा वे लिख लेते हैं ठीक है अब इस केस में अगर आप पॉइंट जो जहां पे स्ट्रिंग लगी हुई है डिस्क की पेरिफेरी पे उसकी एक्सेलरेशन अगर फाइंड करनी है तो आप ये लिख सकते हैं दिस विल बी ए प्लस अल्फा लिख सकते हैं ना राइट अंडरस्टैंडिंग ऑर नॉट तो अगर आप अपने फ्रेम को यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखने पे मुझे आसानी से दिख रहा है कि यहाँ से मुझे मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये पॉइंट फिक्स होता तो उस केस में आप लिख सकते थे कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी वी नॉट स्क्वायर बाई एल टुवर्ड्स द सेंटर और कोई भी चीज अगर कोई भी चीज अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स नहीं है और हमें उसको फिक्स बनाना है तो क्या करते हैं हम वहां पे अपने फ्रेम को फिक्स कर लेते हैं राइट तो देखो मैंने अपने फ्रेम को यहाँ पे फिक्स कर लिया तो इससे मुझे वो फिक्स दिख रहा है मतलब ये जहां पे हम बैठे हैं वो फिक्स दिख रहा है मुझे बट अब एक डिसएडवांटेज ये हुआ है कि ये पॉइंट अब एक एक्सेलरेटेड पॉइंट हो चुकी है तो एक्सेलरेटेड पॉइंट पे अगर आप बैठे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा अब एक सुडो फोर्स लेना पड़ेगा एंड ये सुडो फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको पता है मास मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसके मास से मल्टीप्लाई करना है इस एक्सेलरेशन को एंड डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना राइट तो यहाँ पे अब हम क्या करना पड़ेगा हमें रियल फोर्सेस के साथ साथ इसमें एक सुडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा देखो दिस विल बी अ सुडो फोर्स And that pseudo force will be equal to mass multiplied by a plus alpha. क्या आपको समझ आई है? समझ आई है? Did you understand? Okay. अब आप ये कह सकते हैं कि इसके relative acceleration जो towards the center होगी, वो v naught square by l होगी. तो हम ये लिख सकते हैं, this is relative acceleration is v naught square divided by l. Ground के respect में ये बात नहीं कह सकते. तो मैंने reason already बता दिया आपको कि वो point fix नहीं है. इसलिए ground के respect में आप v naught square by l नहीं लिख सकते. ठीक है तो वेरिएबल्स हमने कितने चूज किए हैं ये देख लो एक बार डायग्राम में कितने वेरिएबल्स चूज किए हैं कितने ए अल्फा टी तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है राइट ए अल्फा और टी है या नहीं है सर तो तीन वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशन चाहिए तीन इक्वेशन चाहिए ना तीन इक्वेशन चाहिए होगा तो तीन इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं दोनों मासेस के लिए एक ट्रांसलेशन का इक्वेशन बनेगा दोनों मासेस के लिए और एक रोटेशन का इक्वेशन बनेगा आपके डिस्क के लिए क्योंकि डिस्क आपका रोटेट भी करेगा तो इसलिए दोनों ये तीन इक्वेशंस आपके पास आने वाले हैं तो पहले ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट मास कर लेते हैं तो टेंशन प्लस द सुडो फोर्स व्हिच इज m into a plus alpha r दैट हैज टू बी इक्वल टू m into v naught square divided by l व्हिच इज बेसिकली 2r करेक्ट है करेक्ट है यस सर ठीक है तो यहां से लिख सकते हैं हम टी आर टी इंटू टू टू टी आर लिख लेते हैं टू टी आर प्लस टू एम आर इंटू ए प्लस अल्फा आर एंड दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई है ठीक है सेकेंड इक्वेशन अब डिस्क के लिए क्या लिखोगे आप ट्रांसलेशन का इक्वेशन सो फॉर डिस्क अब लिख रहे हैं ठीक है फॉर डिस्क टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ये आपके सेकेंड इक्वेशन अच्छा इसका मास 2m है 2m इंटू एक्सेलरेशन ये आपके सेकेंड इक्वेशन हो गई है एंड थर्ड इक्वेशन टॉर्क के लिए t इंटू आर विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज एम आर स्क्वायर बाई टू मतलब 2m होगा ऑब्वियसली मास इसकी 2m दे रखी है तो 2m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एंड इंटू अल्फा एक आर तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ से आपको टेंशन की वैल्यू मिल गई है दैट इज कमिंग आउट टू बी ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से दैट इज कमिंग आउट टू बी m इंटू अल्फा आर ये आपकी फोर्थ थर्ड इक्वेशन हो गई है सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को अगर आप इक्वेट कर दोगे तो आपको देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिलेशन मिल रही है कि 2a का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी अल्फा इनटू आर दिख रही है आपको सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से दिख रही है सर ठीक है और
जो टेंशन की वैल्यू अपने मास के टर्म्स एक्सेलरेशन के टर्म्स में फाइंड कर रखा है उसको फर्स्ट इक्वेशन में भी यूज कर लो. सो देयरफॉर अब हम फर्स्ट इक्वेशन को वापस से यूज कर रहे हैं. सो 2R into tension, tension की वैल्यू अगेन 2MA है and plus 2MR into A plus alpha R, alpha R खुद ही 2A है, that is equal to M into V naught square. ठीक है, यहां से M तो सब में कॉमन है, इसको हटा देते हैं और यहां से यार ये आपके पास यार ये है 4RA plus यहां से यार ये है 3 into 6 6 R A is equal to V naught square and therefore jo acceleration aayi hai that is coming out to be V naught square divided by 10 times of radius. That is the final answer. Dekho clear hai ya nahi hai. Clear hai. हाँ ये ना तो बोल दो कम से कम. ठीक है. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है. कंसेप्चुअल है बेसिकली. आपको काफी चीजें इसमें कंस्ट्रेंट वगैरह भी लगाना पड़ेगा. देखते हैं. दो रॉड दे रखे उन्होंने, ईच ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड मास m1 इक्वल टू 1 केजी. ये भी दे रखा है, m1 की मास 1 केजी दे रखी है. दोनों रॉड की मास देखो m1 दिखा रखी है. ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा ये थोड़ा लाइट है मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ. ये मास m1 है और ये मास भी m1 है. दोनों रॉड की मास m1 दिखा रखी है और वो मास आपकी 1 केजी की है. दे आर जॉइंड टुगेदर बाई हिंजेस एज शोन. देखो पॉइंट ए पे हिंज है, फिर ओ पॉइंट जो मार्क कर रखा है वहां पे हिंज है और पॉइंट बी हिंज है. जो एंड ए है एंड बी है वो मूवेबल है जबकि ओ एंड जो है वो फिक्स्ड है. दिख रही है? हाँ सर, फिक्स्ड है. द बॉटम एंड ऑफ द लेफ्ट रॉड इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. देखो उसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है. व्हाइल द बॉटम राइट एंड ऑफ द राइट वन इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m2 इक्वल टू 2 kg. वो m2 का वैल्यू 2 kg दे रखा है. The block is then released to a position where the rods form an angle of 60 degree with the horizontal plane. ठीक है, friction is negligible. Find velocity of point A. A point मतलब hinge का point क्या पूछ रहे हैं. ठीक है, as it hits the ground. वो जब ground को hit करेगा तब उसकी velocity कितनी है. And दूसरा उन्होंने पूछा है find the acceleration of m2 at this instant. मतलब m2 किस acceleration से move कर रहा होगा उस instant पे जब जब ये पूरा का पूरा frame horizontal हो जाएगा तब की बात कर रहे हैं. ठीक है, चलो वी स्टार्ट नाउ. सबसे पहली चीज ये देखो, अभी तो फिलहाल के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही है बट थोड़ी देर के बाद अगर देखोगे आप सिचुएशन तो कुछ ऐसा दिखेगा. ये रॉड ऐसा हो चुका होगा, इधर से ये रॉड ऐसा आ चुका होगा और यहाँ पे ये मास कनेक्टेड होगा. कुछ ऐसा ही होगा ना? होगा हाँ. क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगी? हाँ रहेगी. नहीं रहेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि दोनों लेंथ आपकी सेम है. एल. ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन एक बार ड्रॉ करता हूँ. आप देखो यहाँ पे ये देखो. ठीक है, तो ये मेरे लिए अभी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है और इसी वजह से मैं श्योर होके कह सकता हूं कि जो भी ये एंगल थीटा इधर होगा और जो एंगल थीटा इधर होगा ये दोनों सेम होगा. कह सकते हैं इसको? कह सकते हैं ना? हाँ या ना बोलते रहिए तो मुझे पता चलेगा कि आप सुन रहे हो. ये नहीं तो मुझे लगेगा आप सो गए हो. अगर दोनों का ही एंगल हमेशा सेम होगा तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी क्या डिफरेंट हो सकता है? दोनों रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या डिफरेंट हो सकती है? नहीं, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहेगा. अगर एंगल हमेशा सेम है तो पक्का है एंगुलर वेलोसिटी भी हमेशा सेम होगा. क्योंकि अगर इसका कॉन्ट्रडिक्शन अगर आप सोचोगे, मान लेते हैं किसी एक का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो पहला वाला अगर मान लेते हैं लेफ्ट वाले का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा एंगल कवर करेगा.
और ज्यादा एंगल कवर किया, इसका मतलब है कि वो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है ना इसको. तो इससे हमें ये चीज पता चल रही है कि जो भी एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा वन दिखाओगे और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू दिखाओगे, तो ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आपकी ये हमेशा सेम होगी. दिस विल ऑलवेज बी ट्रू. समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको? हाँ सर. ठीक है. एंड रीजन मैंने आपको ऑलरेडी जस्टिफाई किया, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे. ठीक है. अब हम उस पोजीशन पे आते हैं जहां पे हमारा रिक्वायरमेंट है. उसने कह रखा है कि रॉड जब हॉरिजॉन्टल हो जा रही है तब की बात की हमें करनी है. ठीक है. तो अब मैं रॉड को हॉरिजॉन्टल होता हुआ दिखा रहा हूं यहाँ पे. ये हमारा एक रॉड और ये हमारा दूसरा रॉड. यहाँ पे एक हिंज लगा देते हैं और यहाँ पे एक हिंज है जिसको उसने ए कह रखा था और दूसरा वाला एंड यहाँ पे एक मास कनेक्टेड है. इस एंड को उसने बी कह रखा था. ठीक है. डायग्राम क्लियर है आपको? तो यहाँ पे अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा दिखा रहा हूं तो पक्का है यहाँ पे भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी. करेक्ट है? ठीक है ना. ये ऑलरेडी जस्टिफाई किया मैंने इसका रीजन. दूसरी चीज ये है कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे जीरो होगी. इस इंस्टेंट पे ब्लॉक बी की वेलोसिटी जीरो है. क्यों? क्योंकि कंस्टेंट है ना. ये रॉड पूरा का पूरा सीधा हो चुका है. तो क्या और दूर वो पॉइंट बी क्या और दूर जा सकता था? जा नहीं पाएगा. जा ही नहीं पाएगा. इसका मतलब क्या है? पॉइंट बी की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे कितनी है? जीरो है ना. जीरो. तो वेलोसिटी ऑफ एंड बी अगर आप निकालोगे पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, मतलब वहां पे, तो उस केस में तो फिर उस केस में उसकी वेलोसिटी जीरो मिलेगी आपको. वेलोसिटी ऑफ एंड बी इज आल्सो जीरो. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर लेफ्ट का एंड जो हिंज है और राइट का जो ब्लॉक का एंड है वो दोनों ही हिंज की तरह ही बिहेव कर रहे हैं. एग्जैक्टली. है या नहीं है? समझ आ रही है आपको? क्योंकि लेफ्ट वाला रॉड का भी देखोगे तो लेफ्ट एंड क्या है? फिक्स्ड है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है. और राइट वाला जो रॉड है उसका भी राइट वाला एंड जो है वो अभी फिक्स हो गया है. ऑलमोस्ट ऐसा अपीयर हो रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो आ गई है ना. ठीक है. वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो अब आप ये कह सकते हो ना, जैसे अगर लेफ्ट वाला एंड को देखोगे जिसको उसने ओ मार्क कर रखा था, इसको ओ मार्क किया था, तो अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ कितनी है? तो क्या हम ये इसको लिख सकते थे? दिस इज ओमेगा स्क्वायर इनटू एल होगा. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? होगा ही नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना. एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ बिकम ओमेगा स्क्वायर इनटू एल. यस. अरे लेफ्ट एंड इज फिक्स्ड एंड राइट एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो एंगुलर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा ना उसके पास ओमेगा स्क्वायर इनटू एल का. राइट. सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ. डायरेक्शन आप स्पेसिफाई कर लो. जैसे अगर मान लेते हैं कि इस तरफ हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस चूज कर रखा है, ठीक है, राइट की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस चूज किया हमने, तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इज माइनस ऑफ आई कैप. करेक्ट लिखा मैंने? ठीक है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ आ रहा है. सिमिलर तरीके से अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा जाए कितना होगा, तो इस बार एंड बी फिक्स्ड है तो उसके रिस्पेक्ट में एंड ए का एक्सेलरेशन क्या होगा? अगेन क्या लिखोगे आप? ओमेगा स्क्वायर इनटू एल लिखोगे. बट इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा. इसका मतलब इसको लिखोगे तो यहाँ पे ये प्लस ऑफ आई कैप आएगा. क्या आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर. ठीक है. अब आपको एक्सेलरेशन ऑफ बी फाइंड आउट करनी है. तो हम एक्सेलरेशन ऑफ ए को एलिमिनेट कर सकते हैं यहां से. तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओ, या ऐसे कर ले, एक काम करते हैं, एक से बढ़ा देते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओ एंड माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. एक्सेलरेशन ऑफ ए देखो यहां से वैनिश आउट हो गया एंड यहां से आपको मिल रही है acceleration of b minus of acceleration of o. But acceleration of o तो आपका जीरो ही है क्योंकि वो fixed end है ना. है या नहीं है? acceleration of end o कितना है? जीरो है ना.
वो फिक्स्ड एंड है, जीरो है, फिक्स्ड है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ बी आपको देखो पता चल चुकी है यहाँ से, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बी आपको पता चल गई है कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ वाज ओमेगा स्क्वायर इनटू एल अलोंग माइनस आई कैप, एंड माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट वाज ओमेगा स्क्वायर इनटू एल एंड दैट वाज अलोंग प्लस आई कैप, एंड इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एल अलोंग माइनस ऑफ आई कैप। दिख रही है आपको? तो एक्सेलरेशन ऑफ एंड बी आपको पता चल गया ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एल आने वाला है अलोंग नेगेटिव आई कैप, ठीक है, मतलब कि टुवर्ड्स द सेंटर ओ आने वाला है। अब आपका मेन टारगेट है ओमेगा फाइंड करना, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ एंड बी निकालने के लिए तो आपको ओमेगा चाहिए, सो ओमेगा आपको निकालना पड़ेगा। और ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस से आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो इनिशियली आप देखो जब ये रॉड्स ऐसे थे, ऐसे वाले पोजीशन पे थे, तब उसके रॉड्स के पास एक पोटेंशियल एनर्जी था क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसका एक सर्टन हाइट पे है। जब ये ऐसे वाले पोजीशन पे आ चुका है तो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड लेवल पे आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल जी पूरी की पूरी उसने क्या की, लूज की है। तो जो पोटेंशियल जी लूज की वो सारा कहां चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, पोटेंशियल जी का लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन कर लेना है। अब यहाँ पे ये देख लो कि कौन कितने हाइट पे है। ये वाली डिस्टेंस अगर हम दिखाएं यहाँ पे, ये डिस्टेंस तो ये आनी है एल बाई टू इंटू साइन 60, ये आएगा ना। सो दिस कैन बी रूट थ्री एल बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। ये रूट थ्री एल बाई फोर पे एम वन वाले दोनों मासेस आपके थे पहले, एंड बाद में ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका पोटेंशियल जी का लॉस होगा एंड काइनेटिक एनर्जी का गेन करवाएंगे। काइनेटिक एनर्जी वो दोनों ही रॉड के लिए प्योर रोटेशन ही है ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि रॉड लेफ्ट वाला रॉड जो है वो ओ के अबाउट प्योर रोटेशन पे है एंड राइट वाला जो रॉड है वो एंड बी के अबाउट प्योर रोटेशन पे है या नहीं है। एंड ए का एंड ए फिक्स्ड, एंड ओ फिक्स्ड है और एक के लिए एंड बी फिक्स्ड है या नहीं है, दिख रही है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सो नाउ अप्लाइंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की लॉस कितनी हुई है, एम वन इंटू जी इंटू रूट थ्री एल बाई फोर। ऐसा एक रॉड है बट ऐसे तो दो रॉड हमारे पास है तो इंटू टू कर लेंगे and that will be equal to kinetic energy again. So kinetic energy pure rotation ke liye, so half of that will be m1 into l square by 3 kyunki end extreme end ke about rotate kar raha hai into omega square, aur aise hamare paas do rod hai to into 2 kar lenge, theek hai। aur block b ka to koi velocity hai hi nahi kyunki wo to fixed end ki tarah behave kar raha hai to uski koi velocity nahi hogi, theek hai, to uske liye kuch nahi aayega, agar hota to usko bhi lena padta। ab yahan se agar aap dekhoge to m1 cancel out ho ja rahi hai, यहां से ये लेंथ l भी कैंसिल आउट हो जा रही है एंड यहां से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जा रही है, यहां का ये 2 इधर से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो आपको मिल रहा है रूट थ्री जी बाई टू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू l बाई 3 आ रही है। तो इसका मतलब है आपको ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है, दिस इज 3 रूट 3 जी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ l एंड इसका रूट ले लेंगे। तो यहां से देखो आपको ओमेगा मिल चुका है, एक बार ओमेगा मिल गया तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ एंड बी भी मिल जाएगा। क्लियर है? ये डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि इसमें कंस्ट्रेंट भी लग रहा था और वो सब चीजों में आप इतने ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कंफर्टेबल फील करेंगे बट इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते नहीं है आप, इसलिए ये सब चीजें आपको लगेगा कि अरे थोड़ा भारी हो रहा है। जब हाथ चलेगा आपको तो अपने आप ही लगेगा कि ये सब चीजें मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे मैंने जो चीजें बोली वो इतनी डिफिकल्ट कुछ नहीं थी कि ये दोनों के एंगल वेलोसिटी सेम होगी, फिर एंड बी रेस्ट पे आ जाएगा, वो तो दिख ही रहा है कि जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब और दूर जा नहीं सकता तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसकी। तो ये सब चीजें आपको मैथमेटिकली उसको तो यूज करना पड़ेगा, यूज करने का तरीका ही बेसिकली आप यहाँ पे सीख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी काफी एक अच्छा क्वेश्चन है। A small cart of mass m is at rest on a horizontal track. A vertical column of length l equal to 2 meters and the same mass m is fixed to the cart. A rod of mass same mass m and length 2 meter is attached to the upper end with a hinge. Hinge dekho yahan pe hai, ye aapki hinge hai, theek hai। And released from horizontal position
एट व्हाट स्पीड विल द एंड ऑफ द रॉड हिट द बेस ऑफ द कॉलम. अच्छा एक काम को एक मिनट रुके, इसमें जो हमसे पूछा था उसने फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए पूछा था, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए तो आपको दिख ही रहा ना इस डायग्राम में कितना है, ओमेगा इन 12 हो जाएगा ना, हो ही नहीं होगा, होगा ना, वेलोसिटी ऑफ एंड ए इज ओमेगा इन 12, आपने ओमेगा निकाल रखा है तो ओमेगा से एल को बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. हाँ इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं. सो एट व्हाट स्पीड विल द एंड ऑफ द रॉड हिट द बेस ऑफ द कॉलम, मतलब इसको इस पोजीशन से जब आपने छोड़ा है तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो ये रॉड का जो एक्सट्रीम एंड है वो किस स्पीड से उस कॉलम को स्ट्राइक करने वाला है, ये आपको पूछा है. अब देखोगे अगर जब आप इसको रिलीज करोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट नहीं कर सकती है. हाँ वर्टिकली एक्सेलरेट करी क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच के ला रहा है, तो इसलिए वर्टिकली सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटेड बट हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑफ मास कैन नॉट एक्सेलरेट. तो जब ये रॉड आपका वर्टिकल हो जाएगा, जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगा तो आपका सिचुएशन में अगर एक बार ड्रॉ करके दिखाऊं आपको. सो एफ नेट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, पहले मैं ये मेंशन कर देता हूं, एफ नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज जीरो फॉर एंटायर सिस्टम. देयरफॉर मोमेंटम अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल ये आपकी जीरो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम भी जीरो थी, सिंस इनिशियल वाज जीरो इसीलिए फाइनल भी आपका जीरो रखना है, ठीक है. अब हम इस डायग्राम को एक बार ड्रॉ करते हैं कि सिचुएशन कैसा दिखने वाला है हमें. ये हमारा वो रॉड है, ये एक रॉड है, फिर यहाँ पे आपका हिंज है, फिर यहाँ पे दूसरा रॉड आने वाला है, ये दूसरा रॉड है, और फिर यहां से आपका वो अटैच भी है. इसको जस्ट मैंने थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दिया ताकि थोड़ा सा डायग्राम अच्छा सा दिखे, समझ में आए आपको थोड़ा. देखो आपको समझ आ रही है क्या, समझ आ रही है सेटअप? काफी ज्यादा ऊपर चला गया. ये ठीक है, समझ में तो आ गया, चलो ठीक, कोई बात नहीं. अभी देखो अगर मैं इनको मिला के सोचूं, ये देखो इसको और इसको मिला के सोचो, ये एक सिंगल ब्लॉक है या नहीं है, एक सिंगल ब्लॉक है, हाँ राइट, ये एक सिंगल ब्लॉक है और इस सिंगल ब्लॉक के लिए आपका वेलोसिटी जो भी होगा वो एक सिंगल वेलोसिटी होगी. इसका प्योर ट्रांसलेशन है, हाँ जो फॉलिंग रॉड है उसका ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है, राइट, क्योंकि वो ऑब्वियसली ये ऐसे मूव करता हुआ, ऐसे टर्न करता हुआ आ रहा है, एंड ये वाला पॉइंट जो है वो खुद ही मूविंग पॉइंट है या नहीं है, राइट, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो किसके साथ अटैच है, दूसरे वाले रॉड के साथ अटैच है और वो रॉड तो खुद ही मूविंग है, तो इस केस में ये वाली एंड अगर फिक्स होती तो प्योर रोटेशन बोलते हैं आप इसको, बट ये तो प्योर रोटेशन पे नहीं है क्योंकि ये वाली एंड खुद ही मूविंग है, इधर भाग रहा है. तो इस केस में जब ये जब इस रॉड के पास एक एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा दिखा देते हैं, इस रॉड के पास एक एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा आ चुका होगा, तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, पहले आप ये सोचो कि इसके सेंटर ऑफ मास की कितनी वेलोसिटी दिखाओगे. तो ऐसा करते हैं कि हम ये मान लेते हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा जस्ट मैं इसमें थोड़ी सी, अभी देखो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को सपोजली इस तरफ दिखाता हूँ, कुछ एक वेलोसिटी वी है मान लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली टॉप एंड का भी जो वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा, वी होगा, है ना, होगा ही नहीं होगा, होगा एक ही ब्लॉक माना है ना. तो अगर मैं वो जो ब्लू कलर का रॉड मैंने मार्क किया है उसके सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो कितनी आएगी, वी ट्रांसलेशन की वजह से पीछे आएगी एंड रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू एल बाई टू आगे की तरफ आएगी, आएगी नहीं आएगी,
आएगी, समझ आ रही है? और आपको ये पता है कि सिस्टम की लीनियर मोमेंटम आपको कंजर्व रखनी है, मतलब मोमेंटम आपको नेट मोमेंटम सिस्टम का जीरो रखना है। तो लेफ्ट की तरफ जो नेट मोमेंटम दिख रहा है और राइट की तरफ जो नेट मोमेंटम दिख रहा है, वो दोनों क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। क्या आपको बात समझ आ रही है? तभी तो मोमेंटम जीरो होगा ना सिस्टम का, ठीक है? अब देखो जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा उसका मास कितना है टोटल, देखो डायग्राम में एम प्लस एम टू एम ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जो टोटल मोमेंटम है 2m plus m 3m हो गया, तो 3m into v लेफ्ट की तरफ का मोमेंटम हो गया। एंड राइट की तरफ मोमेंटम कितना होना चाहिए, m into omega l by 2। देखो आपको समझ आया क्या, हमने लेफ्ट का मोमेंटम और राइट का मोमेंटम को इक्वेट कर दिया है, समझ आया? क्योंकि मोमेंटम ऑफ सिस्टम हमें जीरो रखनी है। यहाँ से m कैंसिल आउट और यहाँ से आपको मिल गया है 6v का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा एल। ये हमारी पहली काम की इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, मतलब कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल का लॉस हुआ है ऑब्वियसली, ऊपर वाला मास जो है रॉड जो है वो नीचे आया है, इसका मतलब उसकी सेंटर ऑफ मास नीचे गिरी है, तो पोटेंशियल एनर्जी की लॉस हुई है एंड यही आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। अब जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो कितना है ये लिखने का भी एक काम है, कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आने वाली है वो देखना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखने वाले हैं। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे हम लिखें तो नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन। काइनेटिक एनर्जी का गेन लिखने का ही मेन यहाँ पे खेल है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है यहाँ पे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल की लॉस कितनी हुई है पहले वो निकाल लें, तो m इंटू जी इंटू एल बाई टू, क्योंकि वो उसका सेंटर ऑफ मास l बाई टू से नीचे आ गया है। और काइनेटिक एनर्जी का गेन कितना हुआ है, अब अगर आप जो येलो कलर का ब्लॉक है उसका लिख लो पहले, क्योंकि वो प्योर ट्रांसलेशन में है तो उसको अलग ही कर लो, सो हाफ ऑफ 2m एंड इनटू वी स्क्वायर, ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाला जो रॉड के लिए, रॉड प्लस ट्रॉली के लिए है। बट जो घूमता हुआ रॉड है उसके लिए क्या करेंगे आप, उसका तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का केस है, तो आपको पता है कि अगर एक रॉड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में है तो उसके लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर करते हैं, एंड रोटेशन के लिए हाफ ऑफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर करते हैं, तो दोनों अलग अलग करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे तो अब आप लिखेंगे हाफ ऑफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, and that will come out to be, this will come out to be omega l by 2 minus of v iska square and plus half of m l square by 2l into omega square। ye dekho ye wali humne blue rod ke liye ki hai, this is for blue rod, samajh aayi aapko, samajh aayi hai sabhi ko? यहाँ से ये m cancels out, सब सो गए मुझे लग रहा है, बोल रहे इतना क्यों करवा रहे हो सर? नहीं 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 नहीं, सो गए हो क्या सभी? नो सर, बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है और सबने वीडियो भी ऑफ कर लिया, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। वीडियो क्यों ऑफ करके रखते हो, तकलीफ इतनी वीडियो ऑन करने में ताकि पता ना चले सर को कि आप क्या कर रहे हो? सो दिस कम्स आउट टू बी 2v स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका, अच्छा ओमेगा एल बाई टू का वैल्यू इज, ओमेगा एल बाई टू का वैल्यू इज 3v, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा आपके लिए 2v स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3v माइनस v इसका स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पे 36 v स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, सो ये 12 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 to the 4, 4 to 8, 8 and 3, 11, so 11 v square. बट उसने जो हमसे पूछा है किसका पूछा है उसने velocity, at what speed will the end of the rod hit the base of the column, किस velocity से free end move किया है, तो free end की velocity अगर आपको निकालनी है तो वो कितनी आएगी, ट्रांसलेशन का भी पीछे की तरफ है एंड रोटेशन की वजह से ओमेगा एल आगे की तरफ है, तो उसमें फ्री एंड की जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ फ्री एंड जो आएगी, दैट विल बी ओमेगा एल फॉरवर्ड माइनस वी बैकवर्ड, समझ आइए आपको, समझ आइए आपको? हाँ सर, ये एंड का पॉइंट डिस्टेंस एल बाय, ये वाली एंड जा रही थी इधर से वी से एंड एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा थी इधर, तो फ्री एंड की वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो क्या करोगे आप, ओमेगा इनटू एल फॉरवर्ड एंड वी बैकवर्ड, यही तो करोगे ना, राइट वही लिखा है आपने, ठीक है? अब ओमेगा एल का वैल्यू कितना था, 6v था, तो 6v माइनस वी बिकम्स 5v, सो दिस कैन नाउ बी रिटन एज रूट अंडर
25 GL divided by 11. That is the final answer. क्लियर है देखो क्लियर है क्लियर है एवरीबॉडी बाबा इतनी पूछूंगा फिर भी नहीं बताओगे क्या हाँ सर चलो अभी नेक्स्ट पे आगे मूव करते हैं अ थिन होमोजेनियस रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज सस्पेंडेड ऑन अ हिंज एज शोन ऑन अ हिंज एट वन एंड एंड देन डिस्प्लेस्ड इनटू अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज इज शोन इन द फिगर द रॉड इज रिलीज्ड विदाउट एन इनिशियल वेलोसिटी फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन हाफ ऑफ लेंथ एल बाय टू ऑफ द रॉड on the other half of L by 2 when the angular displacement is phi equal to 60 degree. मतलब एक half दूसरे half पे कितना force लग रहा है वो आपको calculate करना है ठीक है एक half का दूसरे half पे कितनी force है वो आपको find out करनी है तो पहले क्या करते हैं पहले just हम इसका angular velocity और angular acceleration find out कर लेते हैं क्यों find out कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर देखोगे तो कोई भी part जैसे अगर आप second half को भी देखोगे तो second half का जो locus है वो कैसा है एक circular है क्योंकि जब आप ऐसे घुमा रहे हो तो ये पूरा का पूरा रॉड जब ऐसे घूम के गिर रहा है तो कोई भी टुकड़ा अगर इसका कंसीडर करोगे ये टुकड़े को भी कंसीडर करें तो इसका लोकस क्या दिख रहा है आपको सर्कुलर दिख रहा है और सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी चीज है तो उसके पास दो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हो सकते हैं एक है टेंजेंशियल और एक है सेंट्रीपिटल राइट टेंजेंशियल की वैल्यू को आप अल्फा इंटू आर लिख सकते हैं एंड सेंट्रीपिटल को आप ओमेगा स्क्वायर इंटू एल लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं तो इसके लिए आपको दोनों चीजें फाइंड करनी पड़ेगी एक अल्फा फाइंड करना पड़ेगा और एक आपको ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा तब आप ये सारी फोर्सेस को कैलकुलेट कर पाएंगे तो पहले मेरा मेन टारगेट है आपको ओमेगा एंड अल्फा कैलकुलेट करना ठीक है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ एंटायर रॉड और ये सेंटर ऑफ मास का लोकस एक सर्कुलर पाथ है यहाँ से होके यहाँ पे पहुंच चुका है ठीक है तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया ये क्या आपको पता चल रहा है कितना पता नीचे आ गया एल बाई टू साइन फाइव एल बाई टू साइन थीटा राइट और फाइव का वैल्यू 60 दे रखा उसने तो एल बाई टू इंटू साइन 60 लिख सकते हैं सो दिस इज बेसिकली रूट थ्री एल बाई फोर आ जाएगा ठीक है सो रूट थ्री एल बाई फोर पे बेसिकली वो डिस्प्लेस होकर नीचे आ चुका है तो ऑब्वियसली इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ चुका होगा और ये एंगुलर वेलोसिटी आप एक लाइन में निकाल सकते हैं बस एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके तो क्या करेंगे आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल का लॉस मतलब एम जी इंटू रूट थ्री एल बाई फोर दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल का लॉस एंड काइनेटिक एनर्जी का गेन प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन है सो हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर बाई थ्री एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर कर लेंगे तो यहां से एम कैंसल आउट यहाँ से एल कैंसल आउट यहाँ से ये टू इधर टू से कैंसल आउट एंड यहाँ से आ रही है थ्री रूट थ्री जी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ एल दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ये पहली काम की इक्वेशन है हमारी ठीक है दिस इज फर्स्ट इक्वेशन मतलब ओमेगा यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया है अब हम अल्फा फाइंड करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अब अल्फा निकालने के लिए आपको टॉर्क लेना पड़ेगा तो टॉर्क किसकी आएगी यहाँ पे mg एक फोर्स आ रही है इधर से दिस इज mg दिस एंगल इज अल्फा सॉरी दिस एंगल इज फाइव मतलब 60 डिग्री है यहाँ पे तो इसमें mg का जो फोर्स आएगा इधर 60 30 एंड वापस से ये 60 हो जाएगा तो इधर से जो फोर्स आनी है ये आएगी mg इंटू cos 60 आएगी तो mg इंटू cos 60 का ही टॉर्क आएगा विथ रिस्पेक्ट टू हिंज mg इंटू sin 60 का टॉर्क नहीं आ सकता क्योंकि mg इंटू sin 60 का जो फोर्स है वो देखो हिंज से पास कर रही है दिख रही है आपको तो इसलिए उसका टॉर्क नहीं आएगा सो टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू हिंज इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लेते हैं ठीक है सो टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा सो दैट विल बी mg इनटू cos 60 मतलब हाफ ये हो गया फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी l बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 इनटू अल्फा m गेट्स कैंसिल्ड आउट l गेट्स कैंसिल्ड आउट एंड यहां से आपको अल्फा l की वैल्यू मिल जा रही है अल्फा l इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाय 4 आ रही है ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है अब हम क्या करेंगे अब हम सेकंड हाफ का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ठीक है सेकंड हाफ के फ्री बॉडी डायग्राम तो उसका एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूं आप देखो यहां पे
यहाँ पे हिंज है और इससे एक सर्टन डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका सेकेंड हाफ हमें रॉड का बनाना है। ये हमारा सेकेंड हाफ है, दिस इज सेकेंड हाफ ऑफ रॉड, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इस लाइन के रिस्पेक्ट, मतलब जो सेंटर के रिस्पेक्ट में, एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एक अल्फा है इस रॉड के लिए, सेकेंड हाफ के लिए भी है। तो इस रॉड का अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करता हूँ तो वो कितने दूर पे होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कितने दूर पे होगा, L by 4, L by 2 plus L by 4 है ना, L by 2 plus L by 4 यही तो होगा। जैसे सही है, this is circular path of COM of lower half of rod, lower half of rod, and ये distance आपको already मैंने आपको बता दिया है, L by 2 plus L by 4 मतलब 3L by 4 होगा, ठीक है। तो इसका जो center of mass मैंने mark किया, इसका जो center of mass मैंने mark किया है, तो ये center of mass के पास acceleration क्या क्या होगा, एक एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से अल्फा इनटू आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। ये देखो, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मार्क कर रहे हैं, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज अल्फा इनटू 3l बाय 4, और एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू l, सॉरी 3l बाय 4। समझ आ रही है आपको, राइट right? अब फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं इसके ऊपर, एक है ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लग रही है, और उस सेकंड हाफ ऑफ मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ रॉड सेकंड हाफ को भी एक रिएक्शन दे रहा होगा, और उस फोर्स के आप दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं, एक जो रेडियल फोर्स होगा इसको एफ आर कह लेते हैं या सेंट्रिपेटल फोर्स कह सकते हैं आप एफ सी, एंड एक आपका टेंजेंशियल फोर्स होगा जो उसको वो प्रोवाइड कर रहा होगा इसको एफ टी कह सकते हैं। आपको जो फोर्स देना है वो बेसिकली एफ सी और एफ टी का रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब रूट अंडर एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल आपको ऑलरेडी दे रखा है उसने, दिस एंगल इज 60, सो दिस एंगल इज 30, सो इस डायरेक्शन में फोर्सेज का कॉम्पोनेंट ब्रेक करो आप, इस डायरेक्शन में फोर्स आने वाली है एम जी इंटू कॉस 30 मतलब रूट 3/2, एंड इस डायरेक्शन में फोर्स आने वाली है एम जी इंटू साइन 30 मतलब एम जी इंटू हाफ, एंड अकॉर्डिंगली आप फोर्सेस का इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं एफ सी माइनस ऑफ एम जी इंटू रूट 3/2 दैट विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L/4। सो एफ सी की वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज एम जी इंटू रूट 3/2 एंड प्लस 3/4 into omega square l, और omega square l आप already find out कर चुके हो, that is 3 root 3 g by 2, तो value आ रही है आपके पास, mg into root 3 by 2 common out ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 1 plus, ये हो जाएगा 3, 3 is a 9 divided by 4, so 9 or 4, 13, तो 13 by 8 into root 3, into mg, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स आ रहा है सेंट्रिपेटल फोर्स आ रहा है उस रॉड से, मतलब एक हाफ ऑफ रॉड दूसरे हाथ पे लगा रहा है, दैट इज 13√3 mg/8 आ रहा है। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स निकालते हैं, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के फोर्स के लिए क्या करोगे आप, एफ टी प्लस mg into half, ft plus mg into half, ये हो गया नेट फोर्स, एंड देयर हैज टू बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज अल्फा इनटू 3L/4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो टेंजेंशियल फोर्स आपको मिल रही है mg by 2 plus 3/4 of m into alpha l, और alpha l का वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, 3g/4 है, that is 3g/4, so this becomes 3 3s are 9 and यहाँ पे 8, 9 plus 8 is 17, 17 mg/16 ये आ रही वैल्यू, so ये टेंजेंशियल फोर्स हो गई है। So therefore, net force जो आपको निकालना था, that will be root under tangential का square and plus centripetal का square and फिर add कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गई सभी को? हाँ सर।
ठीक है, मेन है इसमें कि बस आपको ये सोचना था कि जो रॉड है उसका पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते तो आपको फोर्स अपने आप मिल जाता, और एक्सेलरेशन आपको कोई भी चीज अगर लोकस अगर आपको पता है सर्कुलर पाथ है या कर्व पाथ भी है तो आपका टारगेट यही होना चाहिए फाइंड करने का कि सेंट्रीपेटल फोर्स कितनी है और टेंजेंशियल फोर्स कितनी है। अगर टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपेटल पता है तो अकॉर्डिंगली ये भी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ सर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ बीड ऑफ मास इज वील्डेड एट द पेरिमीटर ऑफ अ डिस्क इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क इज पुश्ड विद अ वेलोसिटी वी नॉट सच दैट इट रोल्स विदाउट स्लाइडिंग फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम सच दैट डिस्क विल नॉट ब्रेक ऑफ द सर्फेस व्हेन द बीड मूव्स अप टू द हाईएस्ट पोजिशन। बीड देखो बॉटम मोस्ट पोजिशन पे अभी दिखा रखा है जब उसको वेलोसिटी वी नॉट दे रखा है, और बोल रहे हैं कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तब भी इस जो पूरा का पूरा सेटअप है इसको ग्राउंड से शूट ऑफ नहीं करना, ब्रेक ऑफ मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन को ब्रेक नहीं करना, नॉर्मल रिएक्शन रहना चाहिए वहां पे। अगर नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो हो रहा है तब उसके लिए जो वैल्यू ऑफ एम आएगा वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब उसको निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, यहां पे हम ऐसा करते हैं, जब ये जस्ट वर्टिकल पोजीशन पे पहुंच चुका होगा ऊपर वाले पोजीशन पे तब का डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये डिस्क है, ध्यान रखना है आपको, ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। आप ये देखो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क है उसका लोकस क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क उसका लोकस क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन राइट। अगर मैं ये बोलूं कि इसका डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ये तो पक्का है, मूव करेगा पक्का है, वेलोसिटी वी के साथ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ये हमको पता नहीं कितना होगा, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है क्योंकि जब जो बीड देखो जो नीचे वाले पोजिशन पे था जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पोटेंशियल जी बढ़ेगा, और पोटेंशियल जी अगर बढ़ेगा तो वो तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस में ही बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा मतलब स्पीड भी घटता जाएगा। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा बीड तब उसके इसमें ये स्पीड जो होगा ये सबसे कम मिलेगा आपको, सबसे कम मिलेगा, तो स्पीड आपकी से कम हो चुकी है पक्का है। इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी डेफिनेटली होगा, यहाँ पे दिस विल हैव अ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एंड ये एंगुलर वेलोसिटी पक्का है v इक्वल टू ओमेगा r से आप लगा सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा r होगा क्योंकि ये प्योर रोलिंग का कंडीशन ही है राइट। फिक्स सरफेस है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन v इक्वल टू ओमेगा r होगी राइट, ये कंडीशन है आपके पास। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2v हो जाएगी, 2v होगा। ओके, तो पहली चीज आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहली चीज आप ये फाइंड कर सकते हैं कि v इन टर्म्स ऑफ v नॉट कितना होगा, क्योंकि पहले जो था वो ट्रांसलेशनल, पहले जो था वो जो डिस्क था उसके पास वेलोसिटी ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का ही होगा, क्योंकि उसने देखो ऑलरेडी कह रखा था कि इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क इज पुश्ड विद अ वेलोसिटी वी नॉट सच दैट इट रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, मतलब पहले से ही विदाउट स्लाइडिंग रोल कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके पास ऑलरेडी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट था यहाँ पे, एंड वी नॉट वॉज इक्वल टू ओमेगा नॉट इन टू आर, ठीक है, क्योंकि प्योर रोलिंग का कंडीशन आपको अचीव कराना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, पहले एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके पहले आप वी निकाल लो इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आपको फ्री वर्ड डायग्राम कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, इसका कंडीशन भी आपको यूज करना है, तो कंडीशन को यूज करेंगे पहले वी निकाल लेते हैं। सो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का गेन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का लॉस, यही करना है आपको। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की गेन कितनी हुई है, जो बीड था वो बॉटम मोस्ट पोजीशन से टॉप मोस्ट पोजीशन पे जा चुका है, मतलब एम जी इंटू टू आर का गेन हो चुका है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल में चेंज निकालते हैं, बट जब लॉस लिख रहे हैं तो इसका मतलब है पहले बड़ा था बाद में कम था, ठीक है, तो इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी थी, यहाँ पे लिख रहे हैं, सो 2mgr की वैल्यू को लिख रहे हैं। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी थी, सिर्फ डिस्क की थी, सो सिर्फ डिस्क के लिए अगर ये प्योर रोलिंग में है तो ICR के अबाउट डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं आप, तो हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICR दैट विल बी mr² / 2 + mr² व्हिच इज 3/2 mr² एंड इनटू ओमेगा नॉट स्क्वायर,
ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई है एंड माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए भी प्योर रोलिंग का केस है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं यहाँ से, दिस विल बी हाफ ऑफ ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, सो हाफ ऑफ 3/2 एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस जो पॉइंट मास है उसके लिए अलग से लिख लो. तो इसको लिख सकते हो आप हाफ ऑफ एम इनटू 2v का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी डबल है तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ से बस ओमेगा की वैल्यू को और ओमेगा नॉट को एलिमिनेट कर दो यहाँ से. सो यहाँ से एम हटा देते हैं सबसे पहले, एम हट जाएगा यहाँ से, एक आर भी हट जाएगा यहाँ से. ओके आर नहीं हटेगा, एक आर नहीं हटेगा. सो यार ये 2gr इज इक्वल टू 3/4 और ओमेगा नॉट इंटू आर को हम लिख सकते हैं वी नॉट का स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ 3/4 ये हो जाएगा वी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ दिस इज 2v स्क्वायर आ जाएगा. तो यहां से आपको मिल रहा है 2gr इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वी नॉट स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 11v² डिवाइडेड बाई 4 आ रही है. तो यहां से ये 4 को हटा देते हैं, तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3/4 ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2gr एंड इसके साथ आपका 4/11 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये पहली हमारी काम की इक्वेशन है, ठीक है. अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जैसे इसमें इंडिविजुअल मासेस की एक्सेलरेशन कितनी है, व्हाट इज द मास एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल मासेस. तो आपको ये ऑलरेडी मैंने समझाया कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क है उसका लोकस एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए उसके पास कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन हो नहीं सकते, उसके पास कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है. सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क के पास कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है, बट डेफिनेटली उस पॉइंट मास, जो पॉइंट मास हमने दिखा रखा है टॉप में, उसके पास एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, उसके पास डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के अगर देखता इसको, अगर मैं इसको यहाँ पे बैठ के देखता, अगर मैं सपोजली सेंटर पे बैठ जाऊँ, तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पे इसके पास क्या है, एक एक्सेलरेशन है कितने का, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आपको वी का दिखेगा, तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना दिखेगा आपको, वी स्क्वायर बाई एल का दिखेगा. समझ आ रही है आपको, दैट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन. आ रही बात समझ में आपको, समझ आ रही है. सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास सिंस खुद अनएक्सेलरेटेड है, सेंटर ऑफ मास खुद अनएक्सेलरेटेड है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आपको वो टॉप मोस्ट पॉइंट का दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वही एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी है. क्या आपको बात समझ आई क्या बोला मैंने, ठीक है. ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कंस्ट्रेंट में काफी ज्यादा कर रखा है, रोलिंग का कंसेप्ट जब समझाया था तब ऑलरेडी काफी सारा किया था यहाँ पे, फिर भी एक बार मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान रहेगा आपको. लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हेंस इट्स वर्टिकली अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड एट ऑल स्टेजेस, एट ऑल स्टेजेस, हेंस विथ रिस्पेक्ट टू इट द एक्सेलरेशन ऑफ बीड एट टॉप will be the acceleration of bead with respect to ground 2. ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशंस लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में ऑलरेडी पड़ रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन को जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे, यहाँ से एक mg मिल रही है और यहाँ से भी एक mg मिल रही है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस वही इक्वेशन लिखेंगे हम यहां पे, ठीक है. तो इक्वेशन लिखना शुरू करें, तो अब हम नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, टोटल टोटल मास लेना पड़ेगा आपको, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिख सकते हैं यहां पे. तो नेट फोर्स आपके पास कितना है, mg प्लस mg, ये नीचे की तरफ है एंड माइनस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है. एंड दैट विल बी इक्वल टू m,
जो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू, कैसा लिख सकते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू है या नहीं है? ठीक है, अब वही सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो एम वन मतलब एम लिखा एंड एक्सेलरेशन उसका कितना था, वी स्क्वायर बाई एल था, बीड के लिए लिखा है, एन प्लस एम टू अब डिस्क के लिए लिख रहे हैं, तो डिस्क का मास एम है और उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो इनटू जीरो लिख लिया, एंड ये नॉर्मलाइजेशन को आपको जीरो सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ से एम गेट्स कैंसल आउट, ये एम तो कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2gl आ रही है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है, वी स्क्वायर की वैल्यू 2gl आई है और v की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी निकाल रखा है तो उसको यूज करेंगे अभी हम, सो यहाँ से आ रही है आपके पास 3/4 ऑफ v0 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2gr इज इक्वल टू 11/4 इनटू 2gl आई है, ये 2 इधर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एल अच्छा ये एल नहीं, एल तो आर ही है यहाँ पे, ये जो वी नॉट वी स्क्वायर बाई एल लिखा है मैं यहाँ पे, इसको आर लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये आर है ना, ठीक है ना एक बार चेक कर लीजिए, ये एल लिख दिया मैंने इसलिए वेरिएबल एक बढ़ गया हमारे यहाँ पे, यहाँ पे आर लिख लीजिएगा, ठीक है यहाँ पे आर आएगा, सो अभी हो गया 3/4 ऑफ वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr प्लस 11gr बाय 2 टू द 4 और प्लस 11 15gr डिवाइडेड बाय 2 आ गया, सो यहाँ पे ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, सो वी नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास, ये 3 5 से कट जाएगा यहाँ से, सो 5 टू जा 10, तो ये v नॉट की वैल्यू आ गई रोटंडा 10 जी आ गई है, तो v नॉट के पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी रोटंडा 10 जी आर होनी चाहिए, यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v नॉट होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में चेंज होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v नॉट सच दैट द डिस्क विल नॉट ब्रेक ऑफ द सरफेस व्हेन द बीड मूव्स अप टू द हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे v नॉट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है एंड दैट v नॉट हैज कम आउट टू बी root of dr, ठीक है, क्लियर है सर?